ऐसा क्या ठीक है एक से बुरे तो एक से बुरे तो एक से बुरे तो एक से बुरे तो खाली पीली लफड़े में पढ़ने का नहीं भेजा मारी माथा पाची करने का नहीं अरे खाली पीली लफड़े में पढ़ने का नहीं भेजा मारी माथा पाची करने का नहीं नया हो पुराना हो कैसा भी शाना हो साला पे दास रहने का अरे मेरे काय बकतो रे हमें देखता है जो कहता है हम एक से बुरे दो एक से बुरे दो हम एक से बुरे दो एक से बुरे दो क्या हो या पप्पू हो या हो मुन्ना भाई हमने सभी की है पोंगी बजाए अरे अपना तो वट है आखा मुंबई में पोस्टर लगेगा एक दिन अपना दुबई में चाहे दिवाली चाहे पेट खाली फोकट में किसी के आगे झुकने का नहीं हमें देखता है जो कह रहा है हम एक से पूरे दो हम एक से पूरे दो एक से बुरे दो एक से बुरे दो एक से बुरे तो एक से बुरे तो हर दुनिया है क्या भेड़ बस गोलमाल है जाओ जहाँ अपना है झोल झाल है दिन रात करते हैं चोरी चकारी देखी कहीं जो पुलिस कल्टी मारी और अपना ही बुमा बुम देख लो यहाँ पे तुम लोचे में किसी के कभी रुकने का नहीं हमें देखता है जो कहता है हम एक से बुरे दो एक से बुरे दो हम एक से बुरे दो हम एक से बुरे दो कोई भी नहीं कहां गए सब जैन साहब बलबीर कहां है वो गादा लेके सर पे सलाम साहब सर पे मारना जीजा जी अरे कैसा है जीजा जी मेरे को पहचान नहीं मैं बलबीर है बलबीर ये क्या होलिया बना रखा है अरे कल जन्माष्टमी है ना मैं कंस बना है वो सावती ने ना उसका राजू कृष्ण बना है ये अपना पुलिस स्टेशन के बाहर कल कूदती है लेकिन देखना सर इस बार है ना हिस्ट्री चेंज होएगा यहाँ कृष्ण नहीं कंस जीतेगा तुम देखना तुम देखो वो सब ठीक है इस वक्त यहाँ मैं एक जरूरी काम से आया हूँ आपको जरूरी काम होता है तभी तो मेरी याद आती है तमीज में रहो सॉरी सर तुम्हें मालूम ही होगा पुरातत्व विभाग की खुदाई में कुछ नायाब चीजें मिली है जिनमें एक नक्शा भी है और शायद वो नक्शा किसी खजाने का है खजाने का डर मत टपकाओ वो सरकारी अमानत है तू मेरे को काय को बता रहे इसलिए कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऑफिस तुम्हारे एरिया में आता है और वो नक्शा वहां रखा गया अच्छा और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर है परसों दिल्ली से दो प्रोफेसर आ रहे हैं और तुम्हें यह नक्शा स्टडी के लिए उन्हें सौंपना है तो सर प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें छोड़कर बाकी सारे शहर को इसके बारे में पता चल चुका है और क्रिमिनल्स
इसे हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अरे चिंता मत करो सर, मैं बंदोबस्त करेगा ना, ऐसा नाकाबंदी करेगा तुम देखो। ए तावड़ी, इकड़ी इकड़ी इकड़ी। जी सर। अरे है ना वो विलास और आनंद को है ना आई आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे ड्यूटी पे लगाओ, जा। आपने उनको वसूली पे भेजा है सर। अकेले चले गए, साला बताया नहीं मेरे को, कुतरे साले। अच्छा वो सुनील और आनंद दोनों को भेज। आपने उनको जासूसी पे लगा के रखा है। किसकी? भाभी जी की। अरे हाँ चायला, मैं भूल जाता रे। हाँ सर। अच्छा तू एक काम करना, वो राकेश और वो विवेक दोनों को भेज। ओ सर, आपको उन्हीं दोनों पर तो शक है। चमाइला, ये क्या हो रहा है? ये किसकी जासूसी की बात हो रही है? वो कुछ नहीं सर, वो मेरा वाइफ सर, वो थोड़ा लूज कैरेक्टर है, वो इधर उधर, तो मैं क्या है थोड़ा डिपार्टमेंट का थोड़ा हेल्प ले रहा है थोड़ा। लेकिन तुम फिक्र मत करो सर, मैं है ना, मैं है। खजाना तो छोड़ो, कोई नक्शे के बारे में भी सोच नहीं सकता। किसी भी कीमत पे तुम लोग ये नक्शा उड़ा के लाओ। लेकिन चीफ, हमारा तो उसूल है पकी पकाई हंडी में चम्मच मारने का। हाँ, पर इस बार हम अपने उसूल के खिलाफ काम करेंगे। करोड़ों के खजाने का जो सवाल है, इससे पहले किस नक्शे के बारे में कोई और सोचे उसे उड़ा कर ले आओ। मगर आपसे पहले इस नक्शे के बारे में कौन सोच सकता है? है एक आदमी और है जो इस नक्शे के बारे में हमसे पहले सोच सकता है। कौन जी? मेरे बचपन का दोस्त और आज का सबसे बड़ा दुश्मन। जगत दादा नाम है मेरा, एक बार जो ठान लेता हूँ हासिल करके छोड़ दूंगा, और ये नक्शा तो मैं अपने हाथों से हासिल करूंगा। लेकिन बॉसी, ये जोखिम भरा काम हम आपको नहीं करने देंगे। आप क्यों जाएंगे बॉसी? अच्छा ठीक है, चलो मैं नहीं करता, अब मैं तुम्हारा दिमाग देखना चाहता हूँ। चलो दिमाग लगाओ और सोचो कि इस नक्शे को उड़ाने का काम मेरे अलावा कौन कर सकता है। सोचो। कोई आइडिया नहीं है बॉसी। बॉसी चाय मैंने बनाई है, अच्छी है ना? क्या हुआ बॉसी? हुआ नहीं, अब होगा। बॉसी नहीं, बॉसी गलती हो गई। गलती हो गई बॉसी, गलती हो गई, सॉरी बॉसी। अबे तू गुल्लू की आदमी से मिला हुआ क्या है? नहीं तो फिर मुझे शक्कर की चाय क्यों मिलाता है? और जब मैं आता हूँ तो ऊंचाई पर चल जाता है और फिर मुझे ऊंचाई से नीचा ही दिखाता है। अब समझा, शुगर से बच जाऊं तो ऊंचाई के डर से मर जाऊं, यही ना? तो जब पता है कि मुझे शुगर की बीमारी है और ऊंचाई से मुझे डर लगता है। गलती हो गई, भूल जाता हूँ। गुल्लू को मैं नहीं भूलता था। गुल्लू? ये गुल्लू क्यों याद आता है आपको? अबे बचपन में वो भी लुका छुपी खेलते खेलते मुझे ऊंचाई पर चढ़ा देता था और खुद नीचे उतर जाता था, और उसके चक्कर में फिर मुझे घंटों वहीं ऊपर बैठे रहना पड़ता था। तो बॉसी आप नीचे कैसे उतरते थे? अम्मा उतारती थी ना। बॉसी आपको डर नहीं लगता था? होश में कब रहते थे। मगर एक बात कहूं, उस उल्लू गुल्लू कमीने ने उल्लू बहुत बनाया, मगर उसके साथ बिताए हुए दिन बहुत अच्छे थे। हम कहां थे? बॉसी हम सोच रहे थे। अब मैंने सोच लिया। क्या टीटो टोनी? मार पड़ रही लेकिन पता नहीं चल रहा है। यार क्या जिंदगी है, जहाँ कोई चोर और चलाने लगता हम लोग भागना शुरू कर देते। हाँ यार, हैसियत बिना कुछ किए बगैर ही पुलिस हम लोगों को धर लेगी, कुछ करना पड़ेगा भाई। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? कमाल का आइडिया है।
Yo, baby. Yes? I'm Jogi D and I'm back from New York. I got a lot of stuff to put in here. मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? Knowing God can't help me, baby. पहला कतला बोला हाँ साहब ये खोपड़ी खोल दूँगा सारो सब लानी खड़ी हो डिसिप्लिन में ये हिलना नहीं हिलना बिल्ला नहीं चूचपन करना मन्ना नहीं ये मैनेजर कौन है ये मैनेजर बैग उतार लॉकर खोल पैसा पैक कर चल 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 लॉकर तो बैंक में होता है क्या बेवकूफ समझा है क्या नहीं है तो बैंक हाँ पैसा दे ये ब्लड बैंक है ब्लड बैंक तू मुझे खूनी बैंक बुलाया क्या तेरे को वो तो बैंक ढूंढने के लिए अरे बाहर बैंक लिखा ना क्या क्या बैंक है तेरे को ब्लड बैंक पैसे नहीं रखता इसके अंदर बैंक हो गया था और तू पढ़ाई क्यों नहीं किया पढ़ाई क्यों नहीं किया बाप ने जितना मेरे पास पैसा होगा उतनी पढ़ाई करूंगा मैं एक कंप्यूटर का हैक क्रिएट करता तुम लोग बैंक समझ जा ब्लड खाली पीली टाइम खोती क्या मेरा ये इसको बोल खूनी बैंक बाहर खूनी बैंक समझ जा चलो बाय इतनी फौजरी है इस दुनिया में अरे क्या हुआ भैया काम हो गया ना काम हो गया धोती फाड़ी रुमाल हो गया शर्म नहीं आती तुम्हें हैं कितना पैसा और टाइम वेस्ट हुआ है हमारा ये गेटअप बनाने में अरे पता तो सीख लेना चाहिए अरे खून चूसने वाली बैंक में कहीं पैसा होता है इतना गुस्सा काहे को हो रहा है अरे गुस्सा न हो तो क्या आरती उतारू तुम्हारी एक मिनट 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 मार देगा तो क्यों मुंह लगता है यार तुम एक काम करो वहां जाके खड़े रहो और मुझे और कोई आएगा ना तो बोल देना ब्लड बैंक है यार खाली पीली टाइम वेस्ट करते हो उधर खड़े हो जाके चुपचाप सुन यार हम लोग बहुत मुसीबत में हैं दूध का धोबी का इलेक्ट्रिसिटी बिल टेलीफोन बिल सारे बिल बाकी है यार और कपूरथला को तू जानते है ना कैसे यार कपूरथला का नाम मत ले यार सुन मेरे पास ना सॉलिड माइंड ब्लोइंग आइडिया है अरे तेरे माइंड ब्लोइंग के चक्कर में हमेशा पुलिस के डंडे पड़ते हैं सुन यार इस बार कसम से बोलता हूं जबरदस्त आइडिया है मेरे पास तुझे कसम है सही आइडिया बताना अरे बात तो सुन ना यार सुन अरे मेरी बात तो सुन यार क्या कर रहा है ऐसे कैसे चल रहा है कोई पुलिस वाला देखना दो मिनट में अंदर कर देगा साफ मालूम पड़ेगा साड़ी के अंदर हट्टा काटा मर जा रहा है अरे तो क्या करूं औरतों की तरह चल यार गर्भवती औरतों की तरह मटक मटक के दर्द दर्द में आप क्या देख रही हैं बड़ी बदसूरत बीवी है अरे बीवी है दाढ़ी निकल गई तो क्या करूं मैं चलिए चलिए अभी आता हूं इधर अबे शेव भी नहीं किया बंद कर धक्का लगा और सुन ना खोलना ना उठाना अरे कैसी बात कर रहा है खोलना ना उठाना यार तेरा भी ना वन ट्रैक माइंड है ना मुंह खोलना ना घूंघट उठाना अच्छा अच्छा बंद कर अभी अच्छा बंद कर और चुपचाप रहना एक वर्ड नहीं बोला समझ जा चल मेरे साथ चल अबे कुछ तो बोल अरे तूने तो कहा जबान नहीं खोल ली है अबे हाँ यार ना तो बोल सकता है हाँ हाँ चल हाय यार घोड़े का बच्चा पैदा कर रहा है हाय रे क्या ऐसा लग रहा हूँ चकाचक ये सुन एक नंबर लगी है यार अबे यार जो भी करना अभी कर ले घर पास में आ रहा है चल ठीक है पीछे आके बैठ जाना औरतों की तरह बैठना अबे अंदर जाना यार अंदर ही तो हूँ यार भागा मेरे को ए थाम यहीं खड़ी रहियो अरसन गंगर काल ले कोई लेके भाग जाएगा मैं अभी आया एक मिनट पीछे से जी आओ बहन तुम भी यहीं कर लो यार दोनों पास पास जिंदगी भर मुत्ता रहेगा ये गाना जरूर गाना हां यार अबे चल 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 टिटू टिटू टिटूआ ए टू कहाँ चला गया थे यार मैं कहता हूँ टीटू टॉनी अंदर ही है मैं कह रहा हूँ टीटू टॉनी अंदर नहीं है आप झूठ बोल रहे हैं मेरे को अंदर देखने दीजिए हमें दूध का पैसा लेना है अरे हमें राशन का पैसा लेना है राशन की दुकान है क्या सामान उठा के ले जाएंगे तुम्हारे बाप का माल है कि सामान उठा के ले जाओगे पुलिस में बंद करा दूंगा अरे पुलिस की बात करता है कपूरथला आज तो मेरा मकान खाली कर दो कपूरथला का तो बन गया दही भल्ला अरे तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा गटर के अंदर अपना आलीशान मकान तो किराए पर दे रखा है उनको हाँ दिया था किराए के ऊपर और सारे कह रहे थे इतना किराया देंगे इतना किराया देंगे कि ऐसे ऐसे 10 मकान बनवा लोगे इसी चक्कर में अपना मकान छोड़कर तुम्हारी खोली में रह रहा हूँ जहाँ खुजली मारा कुत्ता भी न रहे अरे लेकिन मेरा किराया तो दो ओए आस्तीन के सांप आस्तीन पकड़ते पकड़ते तू गरीबान तक पहुँच गया है फिर देख ये ले किराया ले किराया इस तरह देखता क्या है ये आज का फैशन है एक मीटर में 6-6 बनते हैं स्टाइल है स्टाइल गुर्बत का लेकिन तुमको तो चेक दिया था चेक उन्होंने हाँ दिया था चेक दिया था ये चेक लेकर मैं वहाँ पहुँचा जब उस जगह पहुँचा तो वहाँ इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि
के अंधा भी पढ़े। उस पर लिखा था यहाँ बैंक बनेगा। अरे तुम्हारे साथ तो गनीमत हुआ कि तुम वापस आ गए, लेकिन मेरे पति को तो ऐसा चेक दिया कि 15 दिन हो गए अभी तक वापस नहीं आए। अरे किसी लौंडिया के साथ रफू चक्कर हो गया होगा, तुमसे पीछा छूटा उसका। अरे कपूर थल्ला, तुमने देखा नहीं था कि वो फर्जी चेक था? अरे वो चेक चेक करने के लिए मैंने उन्हें चेक किया था कि ये चेक तुमको किसने दिया था, तो उन्होंने कहा कि ये चेक हमको इंस्पेक्टर पाशा की बीवी ने दिया था। अच्छा तो मैं पहुंचा इंस्पेक्टर पाशा के पास और मैंने जाकर उससे कहा कि तुम्हारी बीवी ने चेक दिया है। बस ये सुनना था कि इंस्पेक्टर पाशा ने निकाला डंडा और मेरे बदन की एक एक बोटी को चेक किया। लेकिन कपूर थल्ला, इंस्पेक्टर पाशा ने तुम्हें मारा क्यों? वो इसलिए कि बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इंस्पेक्टर पाशा तो रंडवा है। ये टुटुआ ने कहा? लो एक और आ गया है। ओए ओए क्या है? किधर है वो टोटोली को बाहर निकाल? अरे इतना चिल्लाता क्यों है? क्या हो गया है? गोलवती बेटे को गर्भवती बनाया मालूम है क्या? दोनों ने कही था मेरा बेटी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसका मूड में आएगा वो चढ़ जाएगा। अब तू बाहर निकाल उसको, मैं काट के ना उसका भाई को ओवर एक्टिंग कर रही। अरे खोते, ओवर एक्टिंग नहीं करती है, उसका वक्त पूरा हो गया, जज्जा खाने में ले जाओ। अरे अभी टाइम कहाँ है, इसे अंदर ले चलो, चलो जल्दी करो। आओ साड़ी बंद करो, डर जाएंगे तुम लोग। आप लोग बाहर ही रहिए, जल्दी चलो। वो डाली आ गई है, जल्दी करो। भाई लाओ या माई लाओ, कुछ नहीं होने वाला। तुमने कुछ कहा? मैं क्या बोलेगा? और लगता है मेरे कान बज रहे हैं। अब तो कुंगी बजने वाली है। इतनी मार पड़ी की आवाज बच्चों जैसी होगी। बच्चा हो गया है। नाना बन गए। ओ यार क्या है, इसकी शक्ल टीटू से मिलती है और नाक तो बिल्कुल उस जैसी ही है। मर गए। ये यहाँ तो टोनी का है, लगता फिर बदल गया। चलिए कपड़े उतारिए और इधर लेट जाइए। अरे मैंने कहा कपड़े उतारिए और इधर लेट जाइए। अरे कपड़े उतारूंगा तो तुम भाग जाओगी। अरे कहीं आप बहरी तो नहीं है? तो फिर कपड़े उतारिए ना। अरे उतारिए ना कपड़े। देखिए शर्माइए नहीं, मैं भी आप ही की तरह एक औरत ही हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अरे लाजन ये रही तेरी लाज, तो ये रही तेरी बंसी, हो गई लाज बंसी, चल ले। और मेरी बीवी कहाँ है? तो नहीं कहाँ गया, कहाँ गया था भाई, कहाँ गया बे? कौन है भाई साहब आप? किसके हाथ में हाथ दे दिया था? पता है अस्पताल में क्या दुर्दशा हो गई मेरी? तो भड़क रहा क्यों? मेरी हालत मालूम क्या हुई थी? मेरे बाजू में खड़ा था, रूम के अंदर गया, एक बच्चा बाहर आया। हाँ। और किस शक्ल भी मिल रही थी तेरे। हाँ मैं ही तो पैदा हुआ, मैं ही इतना बड़ा हो गया। तुम दोनों को बॉस ने बुलाया है? हमने भिखारियों के नौकरी छोड़ी। हमारा बॉस जगत बॉस ही है। हाथ नहीं लगाना, हाथ चल 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 उठा। अभी भी डिलीवरी हो रही है, संभालना। रोज तुम लेट क्यों हो जाते हो यार? जगत दादा की जय हो। जगत दादा महान। क्या जैकेट पहन रखी हमने, क्या बॉडी वॉडी बना ली हमने, एक्सरसाइज करे आजकल? जब भी हम लोग मिलते हैं इन्हीं की बात करते हैं। अरे बॉस ये दोनों नाटक कर रहे हैं, ये तो आने को तैयार ही नहीं थे, हम इन्हें उठा कर लाया है। अरे ऊपर से ये भाव खा रहे थे, कह रहे थे कि कौन सा भाव। जिसका नमक खाते हो उसी को पीठ पीछे गाली देते हो। तुम लोग पानी में भरोसा लो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तू गुस्सा थूक दे, उसे मत थूक दे, इन लोग पे थूक। देखो हम लोग तो आ ही रहे थे कसम से, वो क्या ना कि मेरे भाई का पाँव भारी हो गया, हम लोग तो आ ही रहे थे। माफी चाहता हूँ जगत दादा, दरअसल हम डर रहे थे। आपका पैसा, आपका पैसा ठीक है। देखो देखो हम लोग ज़रा तकलीफ में हैं, बहुत मुसीबत में हैं। पिछले 3-4 दिनों से शराब की एक बूंद भी अलग से नहीं उतरी, मालूम है क्या? नाच गया तो देखा ही नहीं। लेकिन लेकिन आप चिंता मत करो, हम कसम भगवान की मेहनत करके ईमानदारी से चोरी चमारी करके आपकी एक इकाई लौटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मेरा पैसा नहीं चाहिए। उल्टे 1,00,000 रुपए मैं तुमको देता हूँ, मगर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। 1,00,000 रुपए के लिए हम कोई भी काम कर सकते हैं। काम क्या? बड़ा पगला गया।
पुलिस सिक्योरिटी से ये नक्शा तुम्हें मेरे लिए हासिल करना होगा। न, 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 बस जगत दादा मैं माफी चाहता हूँ, मैं आजकल बुरे धंधों से कट्टी कर चुका, अब हम लोग शराफत की जिंदगी जीना चाहते। ये बिल्कुल सही कह रहे, हमने चोरी चकारी बुरे काम ये सब छोड़ दिया। छोड़ दिया, अभी चाय की दुकान लगा रहा है और नारियल की दुकान। आपको चाय नारियल वाला चाहिए तो बोल देना। हाँ, कुछ नहीं हो पाया तो मैं गांव चला जाऊंगा, हल चलाने के लिए मेरे बाप बूढ़े हैं, उनका सहारा बनूंगा। कितनी अच्छी बात है, मैं तो बोलता हूँ जगह था तुम्हारा बाप आवे तुम भी गाँव चले जाओ। कसम से बता रहा हूँ, वैसे भी क्या हालत हो गई है, शुगर की बीमारी है, ऊंचाई से डर लगता है, कभी भी टपक सकते हो, आजकल तो हट्टे कट्टे मर जाते हो। अरे वो नाके में टपक गया ना। कौन? ना काका, चार लोगों से उठा नहीं, कुत्ते की गाड़ी आई थी लेने, पूरे गलियारे में खींचने से गड्ढे गड्ढे पड़ गए। बंद करो बकवास। साबू? यस मौसी। इन दोनों को अंदर ले जाकर इतना मारो कि इनकी मरम पट्टी से हमारा पैसा वसूल हो जाए। मारने पीटने की बात क्यों कर रहे हैं आप? हम लोग ने ना तो नहीं किया, ना तो नहीं किया, आपका हुक्म तो सारा ऊपर आ गए ना रस्ते में। थोड़ा एडवांस मिल जाता तो वो क्या ना कि बहुत दिन से शराब नहीं पीना तो गला सूख रहा हमारा, और नाच गाना भी नहीं देखा तो जी मचल रहा है। वो मैं कर सकता हूँ। साहब यस मौसी, इन लोगों को 20,000 रुपया एडवांस दे दो। ओके याद रख। क्या? अब की बार अगर चूना लगाने की कोशिश की ना तो तुम दोनों को पान की तरह चबा जाऊंगा। हर बार ऐसे बोलता है। क्या कहा? वो कह रहा है कि वो हम आप ही के बच्चे हैं ना, आप ही की देख रेख में पले बड़े हैं, तो नक्शा आपको मिल जाएगा। कसम मिल जाएगा ना 100%। मौसी जाओ पैसा लो। ए साबो साबो चलो अंदर चलो, सामान दिखाओ कहाँ क्या रखा है। ये तुम लोग इतने पैसे कमाते कहाँ से हो? देखा, 1 करोड़ का काम 1,00,000 रुपए में करवा लिया है, कोई मेरे जैसा? ओम वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। भैया आज आप और भाभी हमारे बीच में होते तो आपको भी अपने बच्चों को देखकर गर्व महसूस होता। मैंने आपकी दोनों बेटियों को आपके ही उसूल और संस्कार दिए हैं भैया। इतनी नेक और सीधी बच्चियां, वाह, नए जमाने की इनको हवा ना लगे इसके लिए मुझे सख्त होना पड़ता है। क्या करूं भैया, जमाना बहुत खराब है और इन्हीं सख्तियों की वजह से ही आज वो इतनी सांस्कारिक बनी है। बस भैया इन दोनों बेटियों की अच्छी जगह शादी करवा दूं तो मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। गहना और पायल कहाँ है? वो तो सो गई है। बड़ी जल्दी सो गई। चलो वो सो गई हैं तो हम अपने 1,000 मंत्र पूरे कर लेते हैं। बड़े सुशील बच्चियां हैं। प्यार के हैं शोले मन में।
झगड़ा लागली कर पानी थीम थीम कर। खेत न खलियान साली घंटी का गोपा जा रही है फिर। अच्छा ये हेलो उन प्रोफेसर का क्या हुआ, उन्हें लाने कौन गया? हाँ सर वो बेहतर में सॉरी सर वो अभी हो जाएगा सर। एक बात याद रखो, अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारा डिमोशन कर दूंगा। नहीं नहीं सर इसका जरूरत नहीं पड़ेगा सर, मैं देख लेगा ना सर। हेलो सर, सर कॉइन भी नहीं रखते लगते। वो प्रोफेसर को लेने कौन जा रहा है? वो सर आप चले जाइए ना साहब, मैं थाना संभाल लूंगा साहब। जल्दी चमा आएगा, थाना किधर जाने वाला है? थाना इधर ही रहने का, थाने को आए को संभालने का। तू जा रेलवे स्टेशन पे जा, प्रोफेसर को पकड़ने तो प्रोफेसर चला जाएगा। जा रहा हूँ सर, जा रहा हूँ। प्रोफेसर राय। हाँ प्रोफेसर दुबे। मिस्टर पांगे और तावड़े कहीं दिखाई नहीं पड़े, कहाँ गए? ये लोग सामने खड़े हैं, आइए पूछते हैं उनसे। एक्सक्यूज मी, बैग में दम तो नहीं है भोले बाबू? चले प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली। तुम? I am senior inspector from Janki Nagar police station. Thank you very much. Your name? My name is Tofik. Tofik. And my assistant Mr. Chotelal. तुम पुलिस वाले नहीं लगते? हाँ हमारे माथे पे लिखा है हम पुलिस वाले नहीं लगते। जी क्योंकि पुलिस वाले कभी इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। क्या ना कि हम बहुत ही ऊंचे घराने के लोग। ऊंचे घराने? अच्छा अच्छा वेरी गुड। लेकिन हमें तो पांगे और तावड़े रिसीव करने के लिए आने वाले थे। वो पांगे और तावड़े का प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ मुफ्त का खाना मिला टूट पड़ते हो। कल रात को भी पार्टी थी, ऐसे क्यों लोगों ने इतना खाया दबा के पेट खराब हो गया? यार खाना मुफ्त का पेट तो अपना ही है, घूमते ही पुलिस वाले है ना। अब ऐसा एक दिन नहीं होता, हर तीसरे दिन होता है। वो लोग वहाँ जाते हैं, ड्यूटी हम लोगों को बजानी पड़ती है। अच्छा ये बताइए ASI कितनी दूर है यहाँ से? बस यहाँ से पास हम खंडर है, उसके अंदर खंडर 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 के आसपास अंडर खंडर अंडर। चलिए 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 रास्ता खाली करो। पांच चक्कर हो गए, सच सच बताओ। एक और चक्कर लगाया तो लड़का पराया हो जाए। तो आप लोग प्रोफेसर तुम लोग क्या मेरे को उल्लू बावड़त समझता है? शक्ल से तो नहीं लग रहे हो। हाँ, अरे अकल से भी नहीं है, नाम बल भी रहे तो क्या हुआ? मेरे को धोखा देना आसान नहीं है। तुम लोग फ्रॉड सब जानते हैं। नहीं नहीं आप कहना क्या चाहते हैं आप? प्रोफेसर आ चुके, सवाल ही नहीं पैदा होता, इतनी जल्दी पहुँच ही नहीं सकते। एकदम कानून सबूत मांगता है। इतने बड़े घराने के सपूत से सबूत मांगते हो बदतमीज? जानता हूँ तू क्या सोच रहा है। हम लोग को अंदर लेके चलो, सब कुछ मामला साफ हो जाएगा, कौन प्रोफेसर है और कौन फ्रॉड। अच्छा सोचो मत ले चलो, सोचो मत ले चलो, चलो। ये तो बोली ये तेन दे ना। कौन है आप लोग? प्रोफेसर प्रोफेसर है। अंग्रेजी में बोल। लिसन व्हेयर द हेल यू आर, डिसअपीयर फ्रॉम हियर, वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टू डू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? क्या बात हुई? समझा बात बात सब हो गई, अब ACP को बुलाओ, वही फैसला करेंगे। चोरों को चोरी सिखाते हैं। अरे थैंक यू वेरी मच सब। ये चाकू तलवार लेते तो अच्छा होता। थैंक यू क्या तेल लगाने? नक्शा किधर? जल्दी मत कर। नक्शा हाँ इधर। थैंक यू। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? कुछ करना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब 1930 में यही डब्बा मिला था ना? अच्छा अच्छा ये वो है। सारे लोग अंधे हो गए थे जिसको देखकर। कमाल की बात है यार, मैं तो डर गया था जब मैंने पढ़ा। नहीं 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 मेहता साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बीबी बच्चे हैं, मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मैं जाता हूँ। अरे प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, हमारे देश के लिए हमें ये करना पड़ेगा। नहीं नहीं देश के लिए थोड़ा थोड़ा सा खोल के इन्वेस्टिगेशन,
क्या होगा? मेहता साहब, मैं कुछ भी कर सकता हूँ देश के लिए, लेकिन मैं देश के लिए अंधा नहीं हो सकता हूँ। अंधा? चश्मा तो लाया ना? चश्मा? हाँ, चश्मा तो है। ये रहा चश्मा। हाँ, ठीक है। लेकिन आप लोग भी अपने अपने चश्मे पहन लीजिए। चश्मा पहन लो भाई, सब लोग अपने अपने चश्मे पहन लो। बहुत रिस्क। माइला चश्मा नहीं लाए? लो लो लो, मेहता साहब हमें माफ करो, बगैर चश्मे की पुलिस खड़ी हुई यहाँ पे। देखिए मैं जानता नहीं इन लोगों को, आप तो धीरज के। एक मिनट भाई, चश्मा लेके आता है। और तुम लोग सब लोग ये मुंडी घुमा के उधर खड़े रहो आंख बंद करके, कानून अंधा हो सकता है? घूम जाओ। पुलिस वाला अंधा नहीं होना। मैं चश्मा लेके आता है। करेक्ट। क्या साइज है? कोई भी साइज चलेगा। माइंड ब्लोइंग। मैं चश्मा लेके आता है। ये कोने वाले, आंख बंद, फूट जाएगी फिर क्या सेवा करोगे, नौकरी भी चली जाएगी। तो वो पकड़ो, निकल यहाँ से। जब तक हम लोग ना बोले तब तक एक भी आदमी नहीं खोलेगा, आंख नहीं खोलेगा। ए, चश्मा लाया है? बहुत पहन ना फिर। ए, कौन है? हम प्रोफेसर हैं। अभी भी साला तावड़े तुम लोग को इतना मारा है, फिर भी बोलता है हम प्रोफेसर है। हाँ। ये शक्ल सूरत सब चेंज हो गया है, ये जवान से बुड्ढा हो गया है, फिर भी बोलता है हम प्रोफेसर है। हाँ, इंस्पेक्टर, हम प्रोफेसर ही हैं। कौन इंस्पेक्टर? मैं डॉक्टर है, इंजीनियर है, कार ड्राइवर है, मैकेनिक है, इंस्पेक्टर नहीं है, जैसे तुम प्रोफेसर नहीं है, समझा? एक मिनट, फोन आयला। चम्मा आयला, मोबाइल है। हाँ जीजू, ये दोनों जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, यस सर, ये दोनों असली प्रोफेसर हैं, इन्हें ठीक चलते दे। इस बार कोई गलती हो गई तुम्हारा डिमोशन पक्का। हाँ, समझ गए? अरे कहाँ गए वो दोनों? अरे मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, अरे वो चश्मे वाले कहाँ गए अंधो? टोपी पहना गए। जीजू अब टोपी बदलेंगे। बस तो ठीक है, इसे ही फाइनल कर दीजिए। अरे लेकिन आयु 21 वर्ष, रंग गेहुआ, कद 5'2". पिछले 10 दिनों से गायब है। सूचना देने वाले को इनाम के साथ साथ किराया भी दिया जाएगा। ये क्या हरकत है? जब जब भी मैं तुम लोगों की शादी की बात करता हूँ, तुम लोग ऐसे ही बच्चों जैसे बातें करते हो। अंकल, हमने आपसे एक बार कह दिया ना कि हम शादी नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, खुशी से या नाराजगी से। अच्छा, तो आप जबरदस्ती करेंगे? करनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम भी देखेंगे। चलो जी, जल्दी चलो। पायल, कहना। नहीं, अब क्या होगा जजमान? वही होगा जो हमेशा से होता आया है, एक राजी है दूसरी मान जाएगी। लेकिन आपको जरा मेहनत करनी पड़ेगी पंडित जी। मेरी भतीजियों के लिए ये सब लड़के नहीं चलेंगे। मुझे तो ऐसे लड़के चाहिए जो ऊंचे घराने के हों और जिनमें कुछ बात हो। इश्क की जात है ऐसे, शाहों को हकर कर दे। आशिक दा की ठगना ए ता रब नू ठगले। क्या बात है? मेरी अख शराबी जितरत दी सारे आशिक तीर अदा के।
के दम से तीर अदा जग छूटे तो छूटे जो है यार तो जग क्या करना प्यार के सदके जीना मुझको प्यार के सदके मरना दिल जब मैंने तुझको दिया फिर दुनिया से क्या डरना क्यों ये दिल में बेताबी है कैसी है ये बेचैनी सी ऐसा मुझको रोग लगाए रब रूठे तो रूठे मुझे तो यार का सजदा करना जग छूटे तो छूटे जो है यार का जग क्या करना मेरी अख शराबी चित रुकती सारे अशक मैं गोल्डन पैलेस से विक्रमादित्य बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए सर। मेरी दोनों भतीजियाँ मुझसे नाराज होके घर से चली गई हैं। उन्हें फौरन ढूंढिए। इसके लिए जो भी आपको करना है कीजिए। मुझे हर कीमत पर अपनी भतीजियाँ वापस चाहिए। वाली लड़कियां हैं। चलिया, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। रुको, तुम दोनों घर से भागी हुई हो? नहीं, नहीं। नकाब उठाओ। नहीं। नकाब उठाओ। क्या हुआ बेटी? छेड़ा ये बदमाश। अरे देखो देखो, ये बदमाश इनको छेड़ रहा है। अरे मारो इसको। अरे कोई बचाओ। अरे भटका के निकल। यस मैम, ठीक है। मुझे नहीं, तुझे बोल रहा है। जरा बाल्टी ठीक से रख लो। वेज आइटम है तुम्हारे पास? वेज? क्यों? बुरके में वेज खाना मना है, नास्पीटा? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। रुको, जरा पढ़ने दो। क्या लेगी बहन? पढ़ तो सही। ये जो तीन नंबर पे लिखा है वो लेके आओ। सुनो, जरा जल्दी जल्दी लेके आओ, पेट बहुत मरोड़ हो रही है। पेट में चूहे कूद रहे, चूहे। क्या बोल दिया तूने उसको? तीन नंबर पे सोडा पानी लिखा था। मालूम मुझे लगा अंग्रेजी में आलू लिखे। और तेरे इस बुरके की आईडी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। परेशान हो गया हूँ, ना उठ पाता हूँ ना बैठ पाता हूँ।
अबे कौन सा सारी जिंदगी बुरखा पहनना है? अरे तू समझ क्यों नहीं रहा, मुझे गर्मी लग रही है, मैं पगला चुका हूँ। तू ये ले, ठंडा होने का उपाय। फास्ट कहना, जल्दी चल, यानी वहाँ बैठ ले। रुके, में पुलिस तो नहीं है क्या? एक्सक्यूज मी, क्या हम प्लीज यहाँ बैठ सकते हैं? बैठे नहीं, प्लेट चाहिए। अब यहाँ तो कोई नहीं आएगा ना? ज्यादा खुश मत हो, ये भी हमारे जैसे तो नहीं है, मैं थोड़ा कंट्रोल कर। यस मैम। ज्यादा खुश हो। मेनू की जरूरत नहीं है, दो वेज सैंडविच ले आइए। आप भी वेज खाएंगी? हाँ, वेजिटेरियन। ओके। वेज पपाया है। चिकन लॉलीपॉप खाने का शौक नहीं है बिटिया? नहीं, हम लोग वेजिटेरियन हैं। हाँ, हम भी वेज। बसा बसा बसा, अपने साथ मामू लेकर आइए। मर गए रे पायल, अब क्या होगा? देखिए आप लोग परेशान ना हो, हमें तो बुरका पोश आदमियों की तलाश है जो हकीकत में औरतें नहीं कुछ और हैं। इसके लिए मुझे आप लोगों के कोऑपरेशन की हमारी तलाश में आए हैं। नहीं, हमें लगता है हमें ढूंढ रहे हैं। क्यों, आप भी भागी हैं? सो प्लीज कोऑपरेट विद मी। एक्चुअली वो हम दोनों घर से भागे हुए हैं। अरे बिटिया परेशान ना हो, बड़ी अम्मा सब संभाल लेंगी, पुलिस में इनका बड़ा आना जाना है। नमस्ते बेटा, मुझे आप लोगों की तलाशी लेनी है। तलाशी लोगे? बुरके में तलाशी लोगे? देखिए दो चोर बुरके में घूम रहे हैं। चोर बुरके में? इसलिए ये तुम्हें चोर नजर आती है, ये तुम्हें चोर नजर आती है। अरे शरीफ घराने की लड़कियों पर परेशान करते थकते लोग। हां, अब क्या बड़ी अम्मा की तलाशी लोगे? चलो अब कहां, चलो अब क्या, कैसे अब जगह चलते हैं। पापा क्या मैं भी आऊं? अरे अब क्या, तुम भाई खड़े लोग बड़ी अम्मा यार। माने बहुत चालू है भाई, ये सेफ जगह है। हेलो, हाँ विक्रमादित्य साहब से बात कराइए। देखिए मैं इंस्पेक्टर दीपक बोल रहा हूँ। आपकी दोनों भतीजियाँ मिल गई हैं। अच्छा? दो शरीफ लड़के उनको यहाँ लाए। नहीं नहीं, शक्ल से तो अच्छे घराने के लगते हैं। यहाँ से निकल जाओ, घराना वराना सब बता दो। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं अपने किसी खास आदमी के साथ दोनों बच्चियों को आपके घर पहुँचवा दूंगा। चाय तो टाइम पे आ जाती है, चाय और लेके आओ। आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू। और पी के देखो मीठी है कि नहीं। आप चाय नहीं पीते? पीता हूँ, चाय ही पीता हूँ। अरे साहब के लिए चाय लाओ ना। रुको, मैं वहीं आकर पीऊंगा। थैंक यू। आपका पुलिस स्टेशन है, कहीं भी जाके पियो। अच्छा, जान बार बार क्यों निकल रहा है? कहीं उनको पहचान तो नहीं लिया इसने? मेरे को तो नहीं लगता, पर क्या करें, मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। निकले, 1 लाख का क्या होगा? करोड़ों का खजाना है हमारे पास, 1 लाख क्या तेल लगाने, चैन से जिएंगे हम लोग। करोड़ों का खजाना है बाहर, जल्दी चलो। सिगरेट पी के आते हैं, चलो। बहुत दिल कर रहा है, बहुत तलब, बहुत कुछ पीने का दिल कर रहा है, बहुत कुछ। चलो फिर आते हैं अभी। कितना परेशान रहा मैं तुम लोगों के बगैर, सारा समय भगवान से प्रार्थना करता रहा। तुम लोग सही सलामत घर वापस आ जाओ, इसके लिए माता वैष्णो देवी के दर्शन की मन्नत तक मांगी। आइंदा ऐसा कभी ना। अब तुम लोग आ गई हो, मैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाऊंगा, किसी तरह की कोई शिकायत ना मिले। और ये बेहुदा कपड़े, ये अंकल हमेशा जाने की बातें करते रहते हैं पर जाते कभी नहीं है। हाँ यार, मैं भी माता के दर्शन की मन्नत मांगूंगी। क्यों? ताकि इस बार तो माता जी उन्हें दर्शन के लिए बुला लें। हाँ, और मैं भी उन लड़कों के बारे में ठीक से सोच सकूं। Just forget it यार, हम कौन सा उन लड़कों से दोबारा मिलने वाले, तू भी ना। लेकिन लड़कियां क्या थी ना यार। अरे यार तुम्हें लड़कियों की पड़ी हुई है, जगत दादा के आदमी अपने पीछे पड़े हुए हैं, पुलिस को भी अपनी तलाश है, ये सब तुम्हारा किया धरा है, सब तुम्हारा किया धरा है। इसलिए मेरी बात मानो, ये नक्शा जगत दादा को दे दो, वो पुलिस को भी संभाल लेगा और 80,000 रुपए भी हमें मिल जाएंगे। इस बारे में कुछ सोचो। सोच रहा हूँ यार। क्या सोच रहे हो यार? इस लड़की को डेट के लिए पूछना चाहिए। क्या तुम कुछ मत सोचो, तुम कुछ मत सोचो, तुम्हारी सोच बहुत गंदी है।
देख टोनी, अपने हाथ में मैप है, मैप का रास्ता जाता है खजाने पे, और खजाने में करोड़ों होंगे। अरे यार, लेकिन अपनी औकात के हिसाब से सोचना चाहिए ना। अरे अपनी औकात भी तो बढ़ाना चाहिए यार अपने को। 80,000 में क्यों मानवाली करें यार, करोड़ों लेंगे यार। देख, मेरे पास एक आइडिया है। मामू मामू ए, दीवाने पगला गया है। मामू, दो बुर्की वाली बाहर आई हुई है। क्या बकरी है, बाहर बैठी है। ये दीवाने ये हो क्या रही है? अबे इस चौखट पे कभी एक जनानी एक औरत नहीं आई, दो दो आ गई। मैं देखता हूँ। कह तो रहा है दुरुस्त, लेकिन कमबख्त यहाँ से हिलना नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। जवान होने का फायदा नहीं उठाना, नल्ली तोड़ दूंगा तेरी। अरे मामू, आज तो ईद का नया जोड़ा पहन ले। मामू की दो दो भतीजी है, कभी बताया नहीं मामू ने। सलवार में नारा नहीं है। आदाब। इसको क्या हो गया? कहिए, ये बंदा क्या खिदमत कर सकता है आपकी? मौसम बदल गया, बौर आ गया है, गोली भी आ गया। देखिए, इस तरह खामोश न रहे, वरना ये बंदा तो गया काम से। वो तो ऑलरेडी गया। बोलू मेरे सरकारी सांड, ये पैसे, अबे ये पैसे ले और जाके जोलिया मर्डर देख क्या। सरकारी सांड सब तुझे दे दूंगा तो तेरे मामियों को क्या दूंगा? ये ले पॉपकॉर्न भी खाना। अबे ये ले वरना तेरे दीदे उखाड़ लूंगा। निकल लिया। अब तो कहिए, नकाब पलट दे नहीं तो बुरके के चक्कर मर जाएगा और जगत दादा हमें जिंदा दफन कर देगा। अबे बेकारी, ईद का कुर्ता पहनवा दिया, कमबख्त हो। इसका डुप्लीकेट चाहिए, मैप है। % लूंगा। क्या मामू, मामू मत बनाया करो, 10% तो हमेशा लेते हो तुम। 10% बनाने का और 10% बताने का। क्या अबे कमबख्तो, खजाने का नक्शा जब तक मैं नहीं बताऊंगा तुमको कैसे पता चलेगा? इब्लीस की बेवाओं। क्या? ठीक है मामू, तुमको 20% दिए, लेकिन नक्शा ऐसे बनाना जब हम दे तो 5-6 महीने तक ढूंढते रह जाए कि कहाँ है। 20% में तो मैं ऐसा नक्शा बनाऊंगा कि वो वापस ही ना आए। इतने सारे लोग, दो आदमियों को नहीं ढूंढ सके। अब क्या करे बॉसी, सारा शहर छान मारा, उन दोनों का कहीं पता नहीं चला। हमें कुछ नहीं मिला, हर हालत में हमें वो दोनों चाहिए। जगत दादा, हम आ गए। आ गए। शाबाश मेरे बच्चे। लेकिन कहाँ रह गए थे, इतने देर लगा नहीं? वो बनवाने में टाइम लग गया ना, निकलवाने में मैप निकलवाने में टाइम लग गया। क्या कहा था मैंने, टीटू टोनी कहीं नहीं जाएंगे, हमको भी आदमी पहचानने की तमीज है। अरे यूं समझ लीजिए दादा कि चांद पर खेल करा रहे हैं हम लोग, तलवारें चलना बाकी रह गई थी। अच्छा, शाबाश शाबाश, ये रहा आपका मैप, और थैंक यू वेरी मच, और हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। जगत दादा, वो जो खजाना है ना, वो कितना बड़ा है? चल बे, पैसे ले ले। वो बैलेंस पेमेंट। अरे हाँ, ए सामू। यस बॉसी। क्या बॉसी ताजी, ए तेरे पैसे दे दे के फटाफट। बाकी के पैसे नो। चल चलो 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 चलो, देर मत करो। इस खजाने को हासिल करके सबसे पहले तुम अपनी सारी बीमारियों का इलाज करूंगा। और अगर बच गए तो एक और नई बीमारी पालूंगा, शादी करूंगा। अंकल आइए ना। अरे इधर से। वहां कहां जा रही थी? क्या होश दिखाने नहीं रहते बेटा तुम्हारे, ऐसे में चोट वोट लग जाती तुम्हें। अंकल। अरे बेटा, तुम लोग रो रहे हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा।
अंकल आप मत जाइए ना प्लीज। देखो बेटा ऐसे करोगे तो मेरा जाना कैसे हो पाएगा। आप नहीं नहीं अंकल आप जाइए, कहना चाचा जी ने मन्नत मांगी है। हाँ इसलिए जाना जरूरी है बेटा, समझा करो। हाँ और अगर चाचा जी नहीं गए तो देवी माँ नाराज हो जाएंगी। बहुत गलत हो जाएगा बेटा। चाचा जी हमें जाना तो बेटा, अपना ख्याल रखना तुम। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बीच बीच में फोन करता रहूंगा मैं। अपना ख्याल रखना, आप लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलता हूँ, बाय बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। चाचा जी की मेरी लाइफ कितनी अच्छी है ना। रुको टीटू का। अब देखो टीटू मानो, हम खुद ही इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चला गया गोली देके, कब से अभी तक नहीं आया। ऐसा कोई आदमी कभी करता है? अरे अरे पुलिस पुलिस। अरे अंकल क्या कर रहे हैं, पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? आपने गाड़ी तोड़ी है इसलिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है आप हमें खर्चा बताइए, हम आपको पैसे दे देंगे। हाँ हाँ पूरे 25,000। 25,000? अरे अपनी साइज जितना अमाउंट क्यों बता रहे हैं? अगर इसी कुछ हो जाता तो हार्ट अटैक आ जाता तो। सॉरी मगर गाड़ी टूटी है तो अमाउंट तो बताना ही पड़ेगा ना। इससे हम कोई ऐसी वैसी लड़कियाँ नहीं है। फिर कैसी हैं? विक्रमादित्य की भतीजियाँ हैं। हाँ आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्या विक्रम जी की भतीजी है? पैसे उनसे जाके ले आता। नहीं 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 आपको 25,000 चाहिए ना, हम इंस्टॉलमेंट में 5,000 करके दे देंगे। वाह वाह वाह, गाड़ी एक साथ तोड़ो, पैसे इंस्टॉलमेंट में, ऐसा नहीं चलता। अच्छा ठीक है, हमें कुछ दिन दे दीजिए, हम इंतजाम कर लेंगे। चल गया। अगर नहीं दिए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मिश्र का पिरामिड बनवा के रखा हो। पिरामिड पिरामिड हाँ वही पिरामिड 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 मजा ले, कबूतर भी बैठ जाए। नहीं फिसल के गिर जाएगा। इसमें सेंटर कैसे करेंगे? तो एंटर अच्छा उतरने के बाद बाएं हाथ के लिए बोला था ना? हाँ जी इधर इधर तो नहीं नहीं इधर सफर में टाइम का पता ही नहीं चला, शाम हो गई। पर सर जी अभी तो दोपहर है। अच्छा मजाक वो भी मुझसे? नहीं सर जी वो बात यह है आपने काला चश्मा पहन रखा है। हाँ जी थैंक यू। कई बार क्या है सफर में आदमी की अकल मार जाती है। अरे कलुआ गांव में किसी ने नौटंकी बुलाई है का? अरे चुप कर, ये लोग शहरी बाबू हैं, दिखता नहीं इतने बड़े बड़े बक्से हैं। अरे भाई ग्लोब लोशन का दौर है। कौन सा लोशन? अरे तू नहीं समझेगा, हमको तो लगता है ये लोग 5 स्टार बनावे आए हैं। देख बक्सों में माल भरा पड़ा है। चुप कर यहीं आ रहे हैं। बड़ी गर्मी लग रही है। अरे भाई वो बंकेपुर किधर है? बंकेपुर इस पत्थर के रास्ते जाएंगे ना तो 20 किलोमीटर, और वो कच्चे रास्ते जाएंगे ना तो 7 किलोमीटर। वो कच्चे रास्ते जाएंगे ना तो जल्दी पहुंच जाएंगे। रास्ते में जंगली जानवर तो नहीं मिलेंगे ना? अरे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा आवाज करते निकल जाना। आवाज? कैसी आवाज? कैसी भी आवाज, जैसे बपक बपक। अरे कैसी आवाज है भाई ये? बक 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 बक। ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो ने आवाजें करते हुए चलना, और थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना। चलो तो क्या करें भाई,
मुखबरी कर दे। चलो अच्छा इनाम मिली है। ए सुल्ताना डाकू महाराज, हम तो आपके इतने बड़े भगत हैं कि हमारी तो सकल ही आपसे मिलने लगी। अब कभी पुलिस हमको दबोच ले तो आपके सारे डकैतन के केस हम पे लाती। हम तो आपसे कभी मिले नहीं। लोग बताते हैं कि आप बिजनौर के रहो। हम तो कभी बिजनौर गए नहीं रहे। हमारी अम्मा गई रही एक बार। महाराज इसी लगी एक दरखास्त है, कछु पैसन का जुगाड़ कर। नहीं नहीं नहीं, पैसा तो है मगर बरसातन की खाते रहे ना, और वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे। अब बहुत दिन हो गए लटका छटका दे। हम तो ने आपको बहुत लटका छटका। एक एक अरे फोन उठा। हाँ तो महाराज, अरे फोन उठाओ भैया। अरे ये तो हमारा फोन है। हेलो डाकू बुल्ताना स्पीकिंग। डाकू जी प्रणाम, आपकी खैरियत के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आगे बात ये है कि तुम्हारा खत मिला हिया, सब ठीक ठाक है। देखिए फिर मिलाई दिए। मुल्ताना फिर स्पीकिंग। कल वो मुखबिर बोला था। अरे मुखबिर बोलो ना, तुम तो खत बोलने लगे। काहे फोनिया रहे हो? अब फोनिया रहे हो तो बात करो, खत काहे पढ़ रहे? इतना बड़ी जोरदार खबर है, शहर से बहुत सारे बाबू लोग आए हैं, सबके पास बड़े बड़े सूटकेस है, चीमा माल भरा है। अरे शाबाश कलवा शाबाश। अरे तुम जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी मुखबरी की हो। और सुनो, अगर ये खबर सच निकले तो हम तुम्हारा मुंह मोतियन से भर दें। अब मोतियन का क्या कर बे दत्ता, अम्मा का परसों ऑपरेशन है मोतियाबंद का। अरे हम तो मिसाल दे रहे हैं, लेकिन एक बात और सुनियो, अगर ये खबर गलत निकली है तो गोली दाग दे। मंजूर है दत्ता। हाँ चलो लोकेशन बताओ। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके अड्डे के रास्ते पे भेज दिए हैं, वो लोग कल सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे। क्या बात है कलवा, अरे बहुत ही होशियार हो गए तुम। जागो। हाँ दादा। डकैती की तैयारी करो। ठीक है दादा। अरे कलवा। हाँ दादा। तुम कहाँ कह रहे, कोई कानपुर से नौटंकी आई है? हाँ दादा। उन्हें हम बुलाइए। कहाँ है आपका बनकेपुर, मुझसे तो अब चला नहीं जाता। अब आपको क्या हो गया है? हमारे सुनो कोई आ रहा है। खबरदार, कौन अपनी जगह से ना हिले। जो हिली है वो गोली खाई है, और जो बच्ची है वो हमारे साथ आई है। बोलो क्या मानती सुनो साहब। और सुनो सहरी बाबू। अरे माफ ने, ये कौन? गांव मसने से पहले चोर आ गए। हम चोर वे नहीं है, डकैते हैं। पर्चे पहले ही दे चुके हैं हम। डकैतो इन सबको लेके चलो पे। सारी हसरत निकाल देते हैं, की तबीयत संभाल देते Thank you.
मेरी हर अदा के चर्चे अब आम हो चुके हैं। भाई जबुआ मजा आया कि नहीं? लाओ भाई लाओ, चाबी दो। काहे की चाबी? अबे अटैची की चाबी। खुले तो है। खुले? अबे खोलो, अबे जल्दी खोलो। मेरी हर अदा के चर्चे अब आम हो चले हैं। वो और है जो हमारी कबरी खोदे वास्ते आई रहेगा। माल कहाँ है? कैसा माल है? ऐसा माल वो तो हमारे पास नहीं है। इका बकवास कर रहे हो? तुमने चक्कर में हम अपनी सभी जमा पूंजी बर्बाद कर दिए और तुम कह रहे हो कि कैसा माल, कहाँ माल? अब तुम अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर दिए या लौटा दिए तो इसमें हमारी गलती क्या है? हम तो तुम्हें बताना चाहते थे कि हमारे पास लूटने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने हमको मौका ही नहीं दिया। तो बर्बाद हो गए, लूट गए। और प्रसादन के बाद से जो जमा पैसा करके रखे वो सब लुट ही दिए। बेटा को गोली मारो, गोली मारो। ओए अकलमन, गोली मारो, गोली मारो, गोली, गोली मारो, 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 मारो। ए बाबू, बाबू भगवान का नाम लो। रुक जा भाई, गोली मत चलाइयो। अरे पकड़ लो, ये हूं उनका आदमी है। जाओ 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 जाओ। अरे पहले बात तो सुन ले। ये भी यहाँ? मैं इसका आदमी ना हूँ, इसके अपोजिट गैंग का चीफ हूँ, गुल्लू। तो फिर काहे इका बच्चा बच्चा हाथ है? तुम्हारे फायदे के खातिर। इसके पास करोड़ों के खजाने का नक्शा है। आ गया दुश्मनी निभाने? बचपन की दोस्ती का फर्ज निभा रहा। और देख, मुझे और इस डकैत को अपना पार्टनर बना ले। इतना बड़ा खजाना तीन हिस्सों में बटेगा तो फर्क नहीं पड़ने का। उस पर मेरा हक है और तुझ पर मेरा। मान जा जग्गू, जान है तो जहान है। देख तो जग्गू मत कह, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। अरे तो इमोशन में ही मान जा। नहीं। अरे देख मान जा, कुछ नहीं पड़ा इन बातों में। नहीं मानता। देख मान जा, नहीं तो ये डकैत नहीं मानेगा। तेरे को दोस्ती की कसम। अरे तो मारो भाई। मैं तैयार हूं। जे हुई ना बात। अरे भाई देख सुन डकैत, अब ये खजाना तीन हिस्सों में बटेगा, तू मैं और यो है? चलो ठीक है, ठीक है। अब तो मान गया, जान बचाई दोस्ती निभाई। तो सुनो सही, मेरे पीछे था के करूं, पकी पकाई अंडी में चम्मच मारने की आदत जो ठहरी। अच्छा चल बाकी बात छोड़, नक्शे के दर्शन तो करवा। अरे मुझे खोल तो सही। अरे खुलवाओ ना। अरे अकलमत, खोलो खोलो, अभी अपना ही आदमी है। कौन? अरे सफेद कभी तू पहले क्यों नहीं आए? हम तुमको लटके झटके दिखाते तो अब देख लेंगे। पैसे कहाँ से आएंगे यार? सोच रही हूँ ना। इस परेशानी का हल है मेरे पास। तेरे पास? ऑफ कोर्स। चाचा जी एक महीने के लिए बाहर गए हुए, क्यों ना हम किसी किराएदार को रख ले। पागल हो गया क्या? किराएदार? चाचा जी को वैसे आइडिया बुरा नहीं है। और वो 25,000 भी तो भरना है ना। लेकिन लेकिन पीछे आएंगे कहाँ से? आएंगे कहाँ से? मैं लेके आऊंगा। तो फिर लाओ ना। एक मिनट। बरसात में क्या करेंगे? अरे तंबू मुंह लगा लेंगे, समस्या क्या है? ये भी पॉइंट है। जस्ट शट अप, बाहर निकालो इन्हें। अरे क्या कर रही है यार? कहना ये सब इन दोनों का किया डरा था, इन्होंने हमें पुलिस में पकड़वाया था। अरे जो कुछ भी किया हमने तुम्हारी भलाई के लिए किया यार, है ना? और वो इनाम के 1,00,000 वो भी तो नहीं लिया हमने, शराफत हमारी। अरे वो हम उस दिन भी बताने वाले थे कि वो गाड़ी हमारी नहीं है। लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी,
आप तो पता नहीं किस पे सवार थी। घोड़े पे। हाँ वही घोड़े पे। Very funny. देखिए अगर अभी आप चाहती हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं, हाँ। तो फिर आप वो हमारे पैसे दे दो बस। हाँ। पैसे? कैसे पैसे? करेंसी, इंडियन करेंसी। अरे अरे नोट होते हैं ना, 100-500 लिखा होता है उसपे, गांधी जी की फोटो होती है। पता है कि पैसे कैसे दिखते हैं? किसको दिए? वो आपके अंकल को दिए थे, वहाँ खड़े है ना। अंकल तो शर्मा रही है। वो मेरे अंकल नहीं है, इडियट्स। अरे इन्हीं से तो लेकर गैरेज वालों को दिया था। इन्होंने, तुमने, तुमने इनसे पैसे? अरे रख लेते हैं यार। थैंक यू बड़े अच्छे लोग यार। अच्छा ब्रेकफास्ट में मुझे कॉफी और वॉफल्स और क्रीम और पॉरेज और अंडे वंडे और मेरे भाई को ना समोसे और जलेबी पसंद है। रबड़ी और नीम का रस शहर फ्री में मिलेगा। नहीं आप नाश्ते में क्या लोगी वो मेंशन नहीं किया। मैंने भी आपसे आपके नाश्ते का मेन्यू नहीं पूछा। अरे मैं इनको छोड़ दूंगा। चलिए चलिए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। चलिए थप्पड़ लगा दूंगा। अरे यार ये नक्शा नहीं, खामखा पुराने जमाने की नक्शेबाजी है। अरे यार इतने दिन हो गए इस बिल्डिंग का कॉन्ट्रक्शन ही समझ में नहीं आया। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस कंस चल जाने दे। अरे यहाँ पहुंच तो गए, खजाना कहाँ है? अरे वो खजाना मिल गया यार। कहाँ मिल गया? वो दो लड़कियां देखी। उन लड़कियों का खजाने से क्या लेना देना है यार? तुम्हारा मैट्रिक्स ही समझ में नहीं आया मेरी। मैथमेटिक्स कुछ भी छोड़ मत बोला करे इंग्लिश। सुन हाँ। एक बार लड़कियों को पटा लिया हाँ। वो लड़कियां हमको खजाने तक लेके जाएगी, उसके बाद बचा क्या है यार? खुदाई। निकल आया क्या खजाना? अरे पानी निकल गया। ये कैसे हो सकता है? नक्शे के मुताबिक तो खजाना यही होना चाहिए। एक काम करते हैं, उधर खोदते हैं। तो एक तो इन्हें परेशान करके रख दिया, एक हफ्ते से गड्ढे खुदवा रहा, पूरा किला खोदा और हर गड्ढे पर यही बोल रहा है कि यही है खजाना। अरे खजाना चाहिए तो गड्ढा तो खोदना पड़ेगा ना। अरे खोद रहा, ला नक्शा दे मेरे को। नक्शा दे ना। अरे मैं ले नहीं रहा, मैं देखने की बात कर रहा, देख के समझ रहा और समझ के बता रहा। लो खजाना तीनों में बट रहा, तो नक्शे पे भी तीनों का हक हैगा कि नहीं? तो ठीक है मैं जा रहा, अब तू ही संभाल इसको। चलो संभाल लेते हैं, अभी धक्का देते हैं। चलो भाई ला बंदूक, ला ला, न रहेगा खजाना न रहेगा जगत। अबे दाग। अरे क्या दाग है? क्या दाग है? नीचे करो, नीचे करो, दिखा रहे नक्शा। चलो नीचे करो, नीचे करो। आजा भाई आजा आजा। हर वक्त दो नाली, हर वक्त बंदूक, क्या लो नक्शा देखो। मेरा शक सही निकला, नक्शा नकली है। क्या? हाँ और कहो तो ये बता दूं किसने बनाया है। किसने? मामू ने। हाँ ये उसी का कारनामा है। ये देखो पूरा नक्शा उर्दू और पाली में है और बनकेपुर जुबली तलैया लिख दिया हिंदी में नीचे। ये देखो। ओह माय गॉड, इतना बड़ा फ्रॉड और वो भी मेरे साथ, जंगल दादा के साथ, इतना बड़ा धोखा। अरे धोखा तो हमरे साथ हुई है, हम बता दिन के सारा पैसा लुटाई दिए। चुप, क्या है? हमें वापस जाना होगा। चलो हम चले साथ में। तुम क्या है? हम पार्टनर ना है का? हम नहीं जा सकते का? देखो ए बंदूक ला, ला ला छोड़ 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 सारा बजा ठीक है छोड़। अरे हम फंस गए, ठीक है दुनाई नहीं होगी, तोप होगी, गुस्सा तू किसको लिए बे जाने देगा ये? ठीक है ले चलो ऐसे, लेकिन वो दोनों होंगे कहाँ? देख यार मैं इन भोली भाई लड़कियों को धोखा नहीं देना चाहता। जिंदगी भर हम उन्हें धोखा देके जूते ही तो खाए, पहली बार प्यार हुआ और उनको धोखा दे रहे, ये ठीक नहीं है यार। तू कहना क्या चाहता है? देख हाँ। पायल के मामले में बिल्कुल सीरियस हो गया हूँ हाँ।
और मैं चाहता हूँ कि उसको सब कुछ सच सच बता दे। अगर ये काम तुमने अपने शुभ मुंह से कर दिया तो खजाना हमारे हाथ से जा सकता है, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? और नहीं किया तो प्यार जा सकता है। बोल क्या बोलता? खजाना। अबे तेरी, देख अपना फंडा बिल्कुल क्लियर है, खजाना हमारे हाथ में होगा तो ऐसे 8-10 प्यार खरीद लेंगे। जहां तक तेरी मोहब्बत का सवाल है, इसको नीचे कर और बात सुन। जहां तक तेरी मोहब्बत का सवाल है तो ऐसे हजारों खजाने कुर्बान है। अबे तो मार भी नहीं रहा, चिल्ला काय को रहा? अरे यार तू तगड़ा है, तू मेरे को जितना चाहिए मां मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इसके मुंह के भूख की बदबू की मार है ना, तारा सिंह में पहले राउंड में नॉकआउट हो जाएगा मालूम है? अबे पता, अरे जो पता था वो तो मैंने बता दिया, अब यहाँ पहुंच के वहां का एड्रेस थोड़ी पतली हो जाएगा। ये सच बोल रहा है? अरे कलमन लेके जाए इसको, उधर में बांध के रखियो इसको अच्छे से, ठीक है? और खाना वाना ठीक से दियो, तो बाद में देख लेंगे क्या करना है इसका। ठीक है ठीक है। लेकिन अब हम गोल्डन पैलेस जाएंगे कैसे? अरे उसकी फिक्र ना कर, आदमी भेज के रखा है मैंने, कोई ना कोई तरीका तो निकल ही आएगा। लो आ गया तरीका। गुलू भाई खुशखबरी है। क्या है जल्दी बोलना। अरे क्या हो गया, सांप सोंग गया क्या? ये तो विक्रम साहब है। थप्पड़ मारो उल्टा आपका, बकवास करेगा तो। कसम से ये तो हिल गए, इनकी शक्ल विक्रम साहब से हूबहू मिलती है। अरे भांग खा क्या है क्या, ये तो जगत है अपना दुश्मन। आवाज बदल दो, इनका चश्मा हटा दो और मुझे लगा दो। क्या कह रहा है ये तेरा डिड्डा? ये विक्रम साहब है, गोल्डन पैलेस का मालिक। अबे लेकिन मेरी शक्ल मिल कैसे सकती है, मेरे कोई जुड़वा भाई नहीं है। एक बात बोलूं जगत भाई, ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा। अरे लेकिन मेरी शक्ल मिल कैसे सकती है भाई? मिल सकती है, मैंने पता नहीं किसी पुराण में पढ़ा था कि एक शक्ल के इस दुनिया में दो आदमी होते हैं। अरे होते हैं होते हैं, क्योंकि वो मैंने। अरे चुप। जगत भाई एक बात बताऊं, अगर ये बात सच है तो फिर गोल्डन पैलेस में एंट्री मारने का टाइम। विक्रमादित्य को निकलना पड़ेगा वहां से। लेकिन विक्रम साहब तो यात्रा पर बाहर गए हैं। ये लो। अगर वो वापस आ गए तो पहले से पहले ही हम खजाने निकालेंगे। तुम देर मत करो, अब तो गोल्डन पैलेस जाने की तैयारी करो। चश्मा हटा के और मूंछें लगा के आवाज संभाल के। पायल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहे तो। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन पहले तुम कहो। हाँ कहिए ना, हम भी उसी बात का इंतजार कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि हम वो नहीं है जो आप हमें समझती हैं। ओह गॉड, तो क्या तुम वो हो? नहीं नहीं नहीं, वो ये। अरे नहीं यार, हम चोर हैं। चोर? इसका मतलब तुम लोग यहाँ चोरी करने आए हो? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारे हाथ में एक मैप आ गया है और वो मैप के मुताबिक खजाना यहीं पर है, तो एक्चुअली हम लोग वो खजाना हासिल करने आए थे, लेकिन हमें उससे भी बड़ा खजाना मिल गया। आगे आओ, तुमने पकड़ा पॉइंट। प्यार का खजाना, ट्रस्ट मी। तो हमारे साथ प्यार का नाटक किया? देखो पायल, नाटक जरूर किया था, लेकिन अब मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आगे तुम्हारा फैसला है। फैसला इनके हाथ में है जो रुक गया। एक्चुअली तुमने अपनी पिछली जिंदगी में जो कुछ भी किया उससे हमें कोई मतलब नहीं, तुमने सच बता के हमारा दिल जीत लिया। बस अब सिर्फ चाचा जी को समझाना है। अरे समझाना क्या है, खजाना मिलने के बाद ये लोग भी अमीर हो जाएंगे। और घराना तो पहले से ही बड़ा है। क्या कह रहा है यार। एक काम करते हैं, आज ही खुदाई शुरू करते हैं। चलो चलो, खजाना मिलते ही हम भी अमीर हो जाएंगे।
एक हो जाएंगे। पुलिस सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बहुत बड़ा है मकान, कैसा चल रहा है तुम्हारा दुकान? मैं इंस्पेक्टर बलबीर शिंदे। आय का आयने दिया है। लेकिन आप वर्दी तो हवलदार की पहने हैं। वो दो कमीनों की वजह से ऐसा हो गया। कमीना मत कहिए, किसी को बुरा भी लग सकता है। क्यों, मिर्ची तो ऐसी लग रही है जैसे वो दोनों तुम है। अरे वो विक्रमादित्य तुम्हारे चाचा है? नहीं नहीं नहीं, होने वाले ससुर। हाँ, हाँ। क्यों? अच्छा कुछ हुआ क्या? अरे वो उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? अरे जिंदा है। ओ देखिए, हमने इन्फॉर्म कर दिया है, आपके घर वाले आते ही होंगे। कहाँ से लाए हो? मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे कौन लाया? बता दीजिए आप, क्या हुआ है मुझे? चाचा जी आपको डॉक्टर साहब। ये कौन? मिस्टर विक्रम, ये आपकी भतीजियाँ हैं। हमारी भतीजियाँ? हाँ। ये मैं पहचान क्यों नहीं रहे डॉक्टर साहब? चाचा जी एक मिनट, देखिए इनके सर पर गहरी चोट लगी है जिसकी वजह से इनकी याददाश्त जा चुकी है। क्या, चाचा जी की याददाश्त चली गई है? हाँ, गॉड। ये इसी वजह से पहचान नहीं पा रहे। ये लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? इनको क्या हुआ है? क्या हुआ? चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। ये ना उनको मैं समझा चाचा ने। चिंता मत करिए, ये तो लगता है तुम्हारी भी याददाश्त चली गई। बगल में जाके तुम भी ले जाओ। ये ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये हमारे चाचा जी नहीं है तो कौन है ये? इसका नाम जगत दादा है, बॉम्बे का बहुत बड़ा डॉन है ये। नौकरों से क्यों बातें कर रही हो? हमारी भतीजियां आप लोग परेशान मत होइए, इन्हें घर ले जाइए और कुछ पुरानी चीजें याद दिलाइए ताकि इनकी याददाश्त वापस आ जाए। कहना ठीक हो जाऊंगा ना? ठीक हो जाएंगे आप। हेलो डॉक्टर, हाँ बोल। आपका आदमी गोल्डन। अरे बोलता रहा। अरे मैं तेरे से बात नहीं कर रहा। हाँ कौन बोल रहा? डॉक्टर। अरे मुल्ताना, तेरे से नहीं बोल रहा। क्या बोल रहे हैं आप? अरे तेरे से नहीं बोल रहा, कहा तो बोल। हाँ मैं कह रहा हूँ आपका आदमी गोल्डन पैलेस पहुँच चुका है। अच्छा। हाँ, आपका काम हो गया और किसी को शक भी नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा इनाम। अरे तबियत खुश कर दी तेने तो। अच्छा सुन, मेरा इनाम कब मिलेगा? तेरा इनाम तेरे घर पहुँच जाएगा। अब तू फोन बंद कर, जे हुई ना बात। जगत अवेली पहुँच गया। अरे मैं तेरे से बात कर रहा। क्यों? हॉस्पिटल से फोन आया, जगत अवेली पहुंच गया। ये क्या कह रहे कुल्लू भाई? बिल्कुल ठीक कह रहा। जल्दी। और क्या, ये है हम सकल होने का फायदा। इब तू उस अकलमंद को फोन लगा और उसको अच्छे से समझा दियो कि उस विक्रम को अच्छे से बांध कर रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो हवेली पहुंच जाए और सारी पोल खुल जाए। लगा। हाँ सुनो, विक्रम पे नजर रखो। ठीक है दादा। अरे खोलो मुझे, बांध तो रखा है मुझे, खोलो। कहा इतना बड़बड़ा रहे हो? अपने आदमी हुआ पांच गवाह, समझ गए? बुड्ढे खुसट, तुझे तो लड्डू खिला खिला कर मारूंगा। चाचा जी ये लीजिए लड्डू। खाओ खाओ। नहीं अंदर अंदर अंदर। चाचा जी ये आप क्या कर रहे हैं? खाइए ना। खाओ खाओ खाओ, बाकी दो तीन पराठे और लेके आओ जल्दी। अभी और हैं? हाँ, बाकी चल चुके हैं और मंगवाए हैं। मंगवाए हैं? हाँ। लेकिन ये तो बताओ, ये किस खुशी में खिला रहे हो भाई? आज आपका जन्मदिन है ना? मेरा जन्मदिन? बर्थडे बर्थडे। तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? हेलो विकी, गिफ्ट नहीं गिफ्ट आ गया। आप कौन? विकी, मैरी। मैडी। माधुरी। माधुरी। विकी रिमेम्बर योर कॉलेज फ्रेंड यार। तुम कॉलेज में गए थे? कमाल है।
विकी मैं यूएसए चली गई थी याद है? ये इस वक्त चांद पर चले गए हैं, इन्हें कुछ याद नहीं है। एक्चुअली चाचा जी की याददाश्त चली गई, हम अभी इन्हें हॉस्पिटल से लेकर आए। ओह माय गॉड, तुम लोगों ने किसी न्यूरोसर्जन को बुलाया? विकी तुम चलो अंदर चलो। ये हंसते हैं न्यूरोसर्जन, तुम लोग फटाफट किसी न्यूरोसर्जन को फोन करो। लेट्स कॉल हिम। कहने को चने नहीं दवान चाय जायवल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। हाँ विकी, कम ऑन ना विकी, क्या हो गया है तुम्हें? बैठो। क्या तुम्हें सचमुच कुछ याद नहीं है विकी? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तो याद करने की कोशिश करो। नहीं करूंगा। नहीं करूंगा? क्यों? नहीं नहीं, वो क्या है कि वो डॉक्टर ने याददाश्त पर जोर डालने से मना किया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ आराम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई? सरप्राइज। क्या सरप्राइज? तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। जगत नाम का आदमी भरोसे का नहीं है। हाँ बोल, कौन बोल रहा? अरे जगत बोल रहा हूँ। हाँ जगत बोल। क्या हुआ यहाँ? जिसको देखो वही मिठाई खिलाया जा रहा है, मिठाई खिलाया जा रहा है। हाँ वो तो कमीने भी है। अच्छा, याददाश्त जाने के चक्कर में किसी को बता भी नहीं सकता हूँ कि वो लोग कौन है। और ऊपर से वो विक्रम की कोई पुरानी गर्लफ्रेंड आ गई है, गणी गणी छूती है मेरे को। हाँ तो ठीक है ना, मजे कर ले। क्या खाक मजे कर ले, यहाँ तो हालत खराब हुई पड़ी है। वो किसी न्यूरोसर्जन को बुलाने की बात कर रही है। न्यूरोसर्जन? अच्छा ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं कुछ मामला फिट करता हूँ, तुम उठ पर यकीन रख। यकीन कर तुझ में है? कोई यार है, बाद में बात करता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है। अबे मुझसे तो बात कर ले। विकी, हेलो, मैं ले आई। क्या लाई? क्या है इसमें? तुम्हारी फेवरेट स्वीट्स। ओह माय गॉड, रोड़े आदमी बोलो टोनी, बेहोशी तक आता है, मरता नहीं हूँ। सॉरी यार। तुम लोग कुछ भी कहते रहते हो। अरे क्या है? मैडम डॉक्टर जी आए हैं। अरे विकी देखो, न्यूरोसर्जन आ गए। नहीं मुझे किसी न्यूरोसर्जन की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं यार, जरूरत है, न्यूरोसर्जन चाहिए यार, याददाश्त गई है। वो क्या है कि वो न्यूरोसर्जन मुझे देखेगा तो नहीं बेवकूफ पछाड़ा में मैं गुल्लू तेरा दुश्मन है। अरे यो डक क्या बात है, वाकई में चली तेरी याददाश्त? एक्टिंग कर रहा हूँ। ये भी इतने भी ओवर मत कर। अरे डॉक्टर, इसकी तबीयत खराब नहीं है? सरास की कर रहा। अरे इधर इधर दे, देख भाई। हाँ मरीज से ज्यादा तो डॉक्टर को इलाज की जरूरत है। डॉक्टर साहब मरीज का मेंटल लेवल चेक करें, चुप रहो। मेंटल लेवल? हाँ देख रहे हैं इनकी याददाश्त गई है या दिमाग का कोई फ्यूज भी ढीला है, पूरी सर्किट खराब है इसकी। अगर इन्होंने यो हालत ठीक कर दिया तो सारा काम ठीक हो जाएगा। गुड, वेरी गुड, सिर्फ याददाश्त गई है, बाकी सब ठीक ठाक है। चलो चलो चलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो और खोलो और खोलो और खोलो। अबे मुंह में बैठ के इलाज करेगा क्या? काहे बीच में बोल रहे हो भाई, हमें अपना काम करने दो। ये डॉक्टर ही अज्जाम, ऐसा डॉक्टर होता है? अरे भाई ये कोटे का डॉक्टर है। नहीं नहीं, हमें नहीं कराना इलाज। अरे बात को समझा करो, रिजर्व कोटे का डॉक्टर है। कोटा नहीं, कोटा काम जानता है, एमडी है। एमडी क्या होता है? महाढक्कन। तुम लोग ना, समझ गया, चालू रहो। नहीं, यही करेगा क्या? नहीं नहीं पागल है क्या? देखो मामला बहुत ही खराब है, मतलब कभी भी बुलावा आ सकता है। हाँ इसीलिए डॉक्टर को दिन रात यहाँ रहकर इनकी देखभाल करनी पड़ेगी, जो यही रह के हो सकता है।
पता नहीं कब जूत पड़ जाए, मतलब कभी भी निकल सकते हैं। हाँ। अच्छा। अभी निकाल दे इनको तो ठीक है। ठीक है चलो, मगर इलाज धीरे धीरे करना। शाबाश, मरवर गया तो टेंशन नहीं है। आ जाओ, खूब लड्डू बड्डू खिलवाओ। चाचा जी संभाल के, विकी संभाल के, मंगवा लो मंगवा लो, बहुत सारे जलेबी मंगवा लो। जलेबी जलेबी चाचा जी, मीठा वो अच्छा लगता है। पेश में वो है, मरना जाए क्या होगा क्या ना। डॉक्टर तेरे गांव की छमिया ना सैंडल द्वारा तुम्हारी सारी डकैती निकाल देगी तेरी। She ever do? Well, mama, I'm gonna let you and I love you too. Let me be your alpha, omega, the beginning and end. Take my love and the way it is, I love you never end. That's why, don't stop, let's do it all the way. The one thing you want me, the one thing you made. Cause I've got you, baby, and you got me. No quitting, no fighting, no controversy. जाने जाना पास आना दूर जाना ना, दिल चुरा के तुम हमारा भूल जाना ना। जाओ ऐसी बातें फिर बनाना ना, दिल चुरा के तुम हमारा भूल जाना ना। चल वरना किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा, निकल ले यहाँ से। बम बम बोले बाबा, आपकी दीवे 1,10,000 मंत्र में से 1,09,000 पूरे हो चुके हैं। सिर्फ
एक मंत्र बाकी रह गया है। अगर ये भी पूरा हो जाएगा तो मैं गायब हो जाऊंगा, और अगर मैं गायब हो गया तो एक एक से चुन चुन कर बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ओम अधर्ष्य नमः 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 अधर्ष्य। टोनी, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी यार। हाँ, आवाजें तो मुझे भी सुनाई दे रही हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये अजीब बात है ना, कोई दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आवाजें सुनाई दे रही। अरे ऐसे ही आवाजें आ रही होंगी कहीं से। अरे कहीं भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है? एक काम करते हैं, चल के बाबला से पूछते हैं। बाबला, मैं हूँ ना। अरे पिक्चरों का नाम कौन ले रहे? मैंने नहीं लिया। अबे तू बिना मुंह हिलाए तू हंस कैसे सकता है? जैसे तू हंस रहा है। मैं हंस रहा हूँ? क्या बात कर रहा है? हमें मुझे डर लग रहा है, चल निकल ले यहाँ से। भाग यहाँ से। चमत्कार। इतनी बड़ी हवेली में साला खजाने का नक्शा ढूंढने ही कहाँ? और कहाँ ढूंढेंगे खजाना? कह तो तू ठीक रहा है, जो तो सारा महीनों का काम है। अरे ये समस्या का हल तो हम अभी धीरे बोलो ना यार, ये समस्या का हल तो हम अभी किए। अब इतना भी धीरे नहीं, ये समस्या का हल तो हम अभी किए देते हैं। अरे यार मंजन तो कर लिया कर। जगत भाई, आप तो मंजन की बात कर रहे हो, ये तो सुबह पानी तक भी नहीं ले जाता। अब बोलो। बोलो। अरे हम अकलमंद को फोन किए रहते हैं। कितनी बार समझाएंगे यार? है? ये है कि नहीं? हम अकलमंद को फोन किए देते अभी। सबको गोली मारो, आराम से नक्शा ढूंढो, खजाना हमारा। तुम्हारी खोपड़ी भूसा भरा है क्या? अब तुम साहब देखो, गोली बंदूक बंदूक है भी नहीं। पता नहीं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बात और है, घर के सारे लोगों को किसी बहाने बाहर भेज दो। वहने को नहीं नहीं। अरे दारू नहीं है। अब तेरे काम की चीज नहीं है कोई भी, काहे फड़फड़ा रहा है तू? ओए देख, लैला मजनू की औलाद अभी तक नींद नहीं टूटी, वही लड़के हो वही। तू तो ऐसे गुस्सा आ रहा है, तेरी बीवी के साथ सो गया? वो तो यहाँ आसकी करे आवा है, हमें तो पूछा नहीं है, पूछा ही नहीं। यही तुम सोरों की परेशानी है, औरत के लिए कत्ल करा दो। बैठ, आ रहा है। आओ ना विकी, तुम बड़ी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ले केला खा, जेल के खा, ठक्कर नहीं है। अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग चाचा जी, आज तो आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं। हाँ हाँ, क्या है कि रात भर जागता रहा। नहीं नहीं, मेरा मतलब रात भर सोता रहा, अच्छी नींद आई इसलिए ठीक लग रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाची जी। चाची जी अभी कहाँ? अभी नहीं है तो हो जाएंगी। थैंक यू चाचा जी। अब कैसी तबीयत है आपकी? बहुत ठीक है। अब कुछ कुछ याद आ रहा है। एक ही रात में कुछ कुछ याद आने लगा? किस तरह का इलाज हो रहा है? बोलो चाची। सर चाचा जी, आपको सब कुछ याद आ गया? हाँ, तुम दोनों मेरी भतीजियां हो। लेकिन ये लोग कौन हैं? ये याद नहीं आ रहा है। अबे दामाद है यार। देखो रिश्तेदारी बाद में डिस्कस कर लेना। यो डॉक्टर बोल रहा कि मरीज ऊपर से ठीक दिख रहा पर अंदर से बहुत परेशानी में है। अच्छा, अंदर तक पहुंच गए? तो आप सब लोग मिल करके इसको बाहर ले जाओ। कहाँ? आउटिंग पे। हाँ, लेके जाओ लेके जाओ, जब तक हम यहाँ खुदाई कर लेंगे। जुदाई जुदाई सह लेंगे। हाँ, जुदाई सह लेंगे, जुदाई सह लेंगे। तुम सब जाओ, हम अकेले यहाँ हैं। तुम सब जाओ, हम अकेले यहाँ हैं। Son of a gun. English. ना, नहीं। तुम सब लोग जाओ। अच्छा, मैं यहाँ रहूंगा। अबे तुम अकेले यहाँ बैठी घुइयां छीलोगे, बत्तीसी फैला रहे हो।
तुम्हारे चक्कर में बाहर का प्रोग्राम बना रहे हैं और तुम ही यहाँ रहोगे और फिर कहोगे कुछ कुछ याद आ रहा है। चाची समझाओ ना। तो सारे लोग चलते हैं पिकनिक पे। हाँ, इसी बहाने पिकनिक भी हो जाएगी। वाओ, चलो चल के पिकनिक की तैयारी करते हैं। या लेट्स गो। चाची झुको मत। ओह माय गॉड, क्या हुआ? देखो लकड़बग्घा टंडी पहने घूम रहा है। क्या? मैं दिखा दे रहा हूँ। अरे कपड़े को जोड़े सब कुछ दिख रहा है। से लौट रहा था, उठा लिया मुझे। बच्ची फिक्र कर रहे होंगे मेरी। तुम यहाँ खुश हो? अरे गम किसको है, यह दो वक्त का खाना सही टाइम पे से दे देते। और आजादी? अरे वो तो जब चाहे ले लूं। आज ही रातों को घूम फिर के आ जाता और अपने आप को शरीफ कैदियों की तरह बांध के बैठ जाता हूँ। क्या? हाँ। मुझे खोलोगे? मेरा क्या फायदा? तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। अरे पहले क्यों नहीं बताया खुदा के बंदे? पहले बताया होता कब का रवाना कर दिया होता। तो फिर खोलो प्लीज। मुकर नहीं जाना? बिल्कुल नहीं। ले लीजिए, हाथ में ये पीछे। अरे अपनी रस्सी तो आसानी से दूसरों के लपटे खेल पड़ा यार। अरे वहां तो यमदूत है बाबा, इस गेट से जाना। कहां से? ये मुन्ना यहां से जा, अब अपना वादा याद रखना। बिल्कुल। गुड बॉय। ए भाई। हाँ? मुझे भी खोल दो ना। लल्लू समझाए क्या, मैं अकेला क्या करूंगा यहाँ पर, कंपनी नहीं चाहिए। तुम कब जाओगे? रात को। बड़े बड़े यार। अरे विक्रम कहाँ गवा? भाग गवा। भाग गवा? खुदा गवा। तुमने बताया नहीं? बताना था क्या? अरे सुनो रे, अरे विक्रम भाग गवा रे, अरे जल्दी आ रे, अरे विक्रम भाग गवा रे। I know you too. I love you too. अरे ये टीटू और पायल नजर नहीं आ रहे? अरे कहीं लपके पड़े होंगे झाड़ी में इधर उधर। और चाचा जी भी नजर नहीं आ रहे? कहीं मुड्डा घर तो नहीं पहुंच गया हमसे पहले? टीटू ढूंढने पहले चलो, टीटू ढूंढते चलो। इधर ढूंढते हैं, इधर होगा। ए टीटू झाड़ी में तो निकलो। अच्छा आ जाओ। अरे आपने टीटू को देखा? तो तुमने उसको जगा दिया? क्या जगाधरी विक्रमादित्य जी को आपने कहीं देखा? हमने तो नहीं देखा। और जैसे देखे, क्या कौन बताया था आपने? विक्रमादित्य। हाँ, जैसे मिलेगा हम आपको खबर कर देंगे। और टीटू मिले तो बता जरूर देना हमें, ठीक है? ठीक है। अरे चल इधर, हमका धोखा तो नहीं तेरा? अरे चुप कर, सोचने दे थोड़ा। अच्छा एक काम कर, तू उधर को जा, मैं इधर को जा रहा, ठीक है? और जब चाहे तो सीधी बचा जाए, ठीक है? लीला, अबे घोंसले में थोड़ी छुपा होगा, नीचे आ। हम पहले बोले थे गुल्लू भाई, ये आदमी विश्वास के काबिल नहीं है, पर नहीं बने। वो यहां से सीधा हवेली गया है और हमारे पहुंचने से पहले खजाना लेके गायब हो जाइए। अरे बावला होगा क्या, खजाना ना हुआ शक्कर की बोरी हो गई, कंधे पर धरी और चल पड़े। अरे बिना नक्शे के खजाने तक पहुंच जाएगा वो? वो जरूर यहाँ से हवेली नक्शा ढूंढने गया है। हम अभी अपने ढक्कन को बुला के। अरे चुप भी करा कर, वो घर ही तो गया होगा, हम भी घर ही चल रहे। चलो चलो। मैं कह रहा हूँ गुल्लू भाई, ये आदमी विश्वास के काबिल नहीं है। अरे ऊका चक्कर में हम अपने सारे बरसातन का पैसा। पैसे की बात करता है, कितना पैसा रहा वो? अब क्या बताएं गुल्लू भाई, बहुत पैसा रहा। सुनियो तो गिर पड़ियो, चार चार डकैती डाल के इकट्ठे किए रहे। अरे कितना पैसा रहा वो? क्या बताएं गुल्लू भाई, 6,000-6,500। छह साढ़े छह हजार? हिल गई।
डकैतों का नाम पर कलंक। ले, इसको पहन ले। अभी पता है कितने की है? 22,000 की। पर आज के बाद तेरे मुंह पे बरसातर के पैसे का नाम आया तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, गुलू भाई नहीं लेंगे। अब रीस मत कर, इसको अंदर को डाल ले। डकैत है ना तो डकैत ही रहे। अब चैन के चक्कर में गर्दन मत कटवा लियो। अब चल। मिल भी नहीं रहा। कहाँ छुपा है पता नहीं। कोई आया? पहले सालों को मारेंगे, फिर सालों को कुछ नहीं करेंगे। अरे कहाँ गए ये दोनों? वहाँ से आवाज आ रही है, चलो देखते हैं, जल्दी आओ। बता किसका आदमी तू? हाँ, जगत दादा के आदमी है। जगत दादा कौन? जो इस घर में चाचा बन के रह रहे हैं। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि जो घर में रह रहा है वो चाचा नहीं जगत दादा है? Oh my God, इसका मतलब हम इतने दिन जगत दादा को अपने चाचा जी समझते रहे। हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को नहीं बुलाना, उसको आने दो, हम लोग संभालेंगे उसको, आने दो। आ गए, आपका इंतजार हो रहा था। ये क्या हुदिया बना रखा है? अच्छा है ना? नमक हराम। अरे मैं कब से समझा रहा हूँ तुम लोगों को, ये तुम्हारा चाचा नहीं है यार। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो बिल्कुल हमारे चाचा जी जैसे दिखते हैं। अरे करोड़ों रुपए लिए कोई भी बदल सकता है। यादास, यादास आ गई, साहब की यादास आ गई, सब ठीक हो गए, सब ठीक हो गए, साहब की यादास आ गई, सब ठीक हो गए। तुम लोग कौन हो? हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? इतनी बार चूना लगा चुका, अब तक पता नहीं चला हम लोग कौन है? लाखों रुपए खा चुके तेरा। इसको लिटाओ, दे धपाधप, दे धपाधप। खामोश, लो कर लो बात, अब खामोश। अब आपका राज खुल चुका है। अब थुकोगे राज दरबार में, टका टक टका टक, उल्टा लटकाएंगे पंखे पर। दे खामोश, हम सच्चाई जान चुके हैं, आप हमारे चाचा जी नहीं हैं। पागल हो गए, फोटो से मारेगा हम लोग। क्या उठा के रखी हुई पेंटिंग के पीछे तोता बच्चा? ये तो हमारे चाचा जी। हाँ चाचा जी, प्लीज रुकिए। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, प्लीज, चाचा जी प्लीज रुकिए। छोड़ो मुझे। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी कोई काफी नहीं। चाचा जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। यही हमारे चाचा जी। हाँ यही हमारे चाचा जी है, क्योंकि इस तोप के बारे में इनके और हमारे सिवा किसी को नहीं मालूम कि ये कहाँ रखी थी। कहना बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए मैं तुम्हें धोखे में ढकना चाहता। अरे पकड़ो साले को, कहीं भागने ना पाए। गलत बात, डॉक्टर ने मना किया था ना कि सर पे जोर नहीं देना। मैंने तो जोर नहीं दिया था। अब चुप क्यों हो गए? विकी, कहाँ लेके जा रहे हो? विकी, तो यहाँ मेरे पीछे ये सब चल रहा था। तुम दोनों और जगत दादा यहाँ खजाने के चक्कर में आए थे। देखिए हम लोग आए तो थे, लेकिन लो
जहाँ ये आपकी बेटियां ए! कौन हो तुम लोग? बुराई का भाई का एक्टिंग कर रहा हाँ करी तू भी कर ले कब भी करेगा क्या आपस में ही बातें करते रहोगे या मेरा जवाब दोगे? अरे ये क्या कह रहे हो भाई, हम तो तुम्हारे डॉक्टर हैं। डॉक्टर? मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जाइए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जावे, पहले बुलवाया अब कह रहे चले जाओ, ये कोई बात हुई? मैंने किसी को नहीं बुलवाया। अरे देखो भाई, तेरे आपको याद नहीं है, आप ही तो बुलवाया था। अब वो क्या है कि आपकी जो वो याददाश्त है ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। क्या बकवास कर रहे हो, मेरी याददाश्त को क्या हुआ है? हुआ है, अभी तो ऐसे पेश आ रहे हो। देखो तो निकलेगी इनके लिए, देखो मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है, जिसने तुम्हें बुलाया था वो अब यहाँ नहीं है, अब जाइए यहाँ से। का अंदाजा नहीं है बोले भाई, ये कह रहा है कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहा है। अब हम क्या करें, ये भी संभाल ले, बाद में देखेंगे। वो क्या है भाई कि आप जो कुछ भी कह रहे हो हमारी समझ में कुछ नहीं आया, दिन भर की थकान है, अभी हम सोई जा, सुबह बात करें, समझे हो? ए! समझने समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इसी वक्त जाइए यहाँ से। अरे देख भाई, अभी इतनी रात को कहाँ ठोकरे खाते फिरेंगे, अभी एक रात ठहरने दे, समझा कर सुबह में बात करेंगे। चाचा जी प्लीज आज रात इन्हें यहीं रहने दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें तो मैडी आंटी ने यहाँ बुलाया था, प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ रात भर। फैसला तो आज रात ही हुई है, और तुम लोग भी जाओ अपने कमरे में। चलो ए! और तुम लोगों की शक्लें भी सुबह नजर नहीं आनी चाहिए। चल गुड नाइट चाचा जी। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, मैं जा रहा हूँ। टीटू टीटू मेरे दोस्त, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, हम चलेंगे, हम जरूर चलेंगे, लेकिन सारी सिचुएशन बताकर चलेंगे। ये क्या? बस बता दे, फैसला कर लिया है कि अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहे, एक पल नहीं रुके यहाँ पे। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे, ये गेट से बाहर निकलेंगे, नाके पे टैक्सी में बैठेगा और निकल जाएंगे। तुम लोग अचानक ऐसे कैसे जा सकते हो? अरे जब तुम्हारे अंकल को पसंद नहीं है तो यहाँ रहकर क्या कुत्तों की तरह जिंदगी बिताओ? चाचा जी ने मना किया, हमने तो मना नहीं किया ना, तुम लोग। अरे बस तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो हम दोनों फिदा हैं। तू चल चल चल, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, हमारा विश्वास कर, इस बार हम चाचा जी को डेफिनेटली मना लेंगे, और अगर वो नहीं माने तो हम घर से दोबारा भाग जाएंगे, और इस बार भागे तो शादी भी कर लेंगे। हाँ लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट वार्निंग, अगली बार अगर ऐसा होगा तो मैं तुम चले जाना, चुए तू भी चलेगा मेरे साथ, ये तो अंडरटूड है, मैं तो तेरे साथ जाऊंगा ही ना। अच्छा चलो अभी तुम लोग अपने कमरे में जाओ, हम लोग जाके चाचा जी से बात करते हैं। ओके बात करो मुझ से। तुम यहाँ कैसे? ओह गॉड, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या? एक मिनट, तुम्हें कुछ लोग पकड़ के लेके गए थे ना? हाँ मैं छूट कर भाग आया। छूट कर भाग आया? वाओ दैट वाज क्विक, काफी जल्दी आ गए। तुम ऐसे जल्दी कह रही हो, मुझे वहां एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया था। क्या बात कर रहे हो विकी, तुम्हें थोड़ी देर पहले तो सब पकड़ कर लेकर गए थे। वो जगत था, जगत जो कई दिनों से यहाँ रह रहा था मेरा हम शक्ल होने की वजह से, और मैं वहाँ उसके आदमियों के पास कैद था, अभी चंद घंटे पहले ही तो किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हुआ मैं। मैं विकी नहीं हूँ, मैं जगत दादा हूँ। कहाँ खो गई मैटी, कहीं उसने तुम्हारे साथ? नहीं विकी,
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुम समझ रहे हो। थैंक गॉड। अच्छा तुम जाओ कमरे में आराम करो, मैं सोचता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। बहुत हुई गवा गुल्लू भाई, बहुत हुई गवा। अब हम बताएं, फैसला तो आज ही रात हुई है। आज ही रात गुल्लू भाई, आज ही रात। हम बोले तुमको कि आदमी गड़बड़ है। अबे तो हम पे काय बिल बुला रहे तुम? अरे काहे ना बिल बुलाए, हम बोले थे तुमको कि ये आदमी अच्छा नहीं है। अरे आदमी तो हम भी अच्छे नहीं है। और तुम कौन से राजा हरिश्चंद्र हो? तो फिर चलो अपनी अपनी साइकिल उठाओ और चलो अपने अपने घर। चलो 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 फिर नक्शा। इतना अब बता हमका, हमका कहाँ भेज रहे हो? क्या कह रहे हो? अच्छा अब भाई हमसे कह रहे कि निकलो यहाँ से, निकलो। अरे यार वो मैं नहीं था, विक्रम था, असली विक्रम। हमारे आदमियों की कैद से भाग आया है। क्या जो क्या कह रहा? हाँ क्या, और वो तुम्हारा अकलमंद इतना बड़ा बेवकूफ विक्रम के चक्कर में मुझे पकड़ के ले गए। बड़ी मुश्किल से छूटा। जब भी मैं कहूँ जो हो क्या रहा? ये का मतलब है कि असली और नकली विक्रम दोनों ही यहाँ हवेली में। हाँ। अगर ऐसा है तो तेरा विक्रम वाला और हमरा डॉक्टर कंपाउंडर वाला रोल फिनिश। अब क्या करें जरा सोचो। अरे सोचे का टाइम खत्म, अब तो सीधी सीधी जंग हुई बे। अपने डाकुओं को बुलवाए के सबको मरवा दो, काम खत्म। नहीं नहीं काहे, ये ठीक नहीं होगा। काहे? यूं ही बस मैं खून खराब नहीं चाहता। यो जगत दादा की जुबान तो नहीं है। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया है गुल्लू। है गुल्लू भाई ठीक कहे हैं, ये मधुरिया मैडम के साथ तुम्हारी रंगरेलियां हमहू को पता है। तुम्हारी इसबाजी के चक्कर में हम अपने करोड़ों के खजाने से हाथ धो ले। अरे तुम्हारे चक्कर में हमारे सारे बरसात का पैसा। लेकिन इसके लिए खून खराबे की जरूरत क्या है? और कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता ढूंढने से मिलेगा। अरे ढूंढने का टाइम नहीं है, हम अभी अपने डकैतन को बुलाए के सबको। क्या है? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझ गए ना? मुझ पर भरोसा करो, खजाने का नक्शा और खजाना हासिल करना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर भी तुमने अगर कोई गड़बड़ की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझी? हमका धमकी तय भी, हमका हम जो इस युग के सबसे महान डकैत हैं, ये की सजा मिली है। ये देखो कौवा चोंच लड़ा रहा है इधर। बंद 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 बंद, क्या बदतमीजी है? हैं क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहा? कोई बदतमीजी बदतमीजी नहीं है, तुम क्या समझे कि हम तुमका डरे हैं? अबे विक्की नहीं जगत हूँ, और मैं मुखाना ज़्यादा हिलियो तो गोली खाइयो। अरे कहाँ जा रही भागी भागी? चाचा जी की आवाज आई थी, चाचा जी की आवाज आई नहीं थी, करवाई गई थी। और टन के साथ छेड़ाखानी नहीं करते। रस्सी लेके आ। अरे रस्सी नहीं तो रुक। अरे क्या कर रहा, इधर क्यों छिड़क रहा? ये इधर नहीं है, क्लोराफार्म है। डॉक्टर ना डॉक्टर, ये तो कमाल हो गया है। अब आगे चलो। अब टेढ़ा क्यों चलता है हमेशा, इधर कुछ आ जाओ। ये रास्ता इधर से। अरे क्या भैया सोने को नहीं मिला? आओ आओ तो यहाँ सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा नोट तक की मार क्यों मार रहे हो? अरे हम तो मना कर रहे भैया, ये लो नक्शा ले लो आप। चल बेटा अभी तू इसको संभाल, मैं दूसरी नोटों को संभाल के आ रहा हूँ, ठीक है? अरे हाथ डाल। ओए और तू नहीं, तू अरे अरे यार और सुन, नक्शा संभाल के दियो। है कौन आवाज मार मार? यस अबे सोते सोते किसका सपना देख रहा है? टीटू, ये ओए कुलमे, ये टीटू,
मैंने उन्हें नक्शा दे दिया। अबे तेरी तो नक्शा दे दिया तूने। अबे साले नक्शा नहीं देते, बहुत मारते साले। क्या कर दिया यार तूने भी। अबे चिंता मत करे, उन्हें जो नक्शा दिया वो डुप्लीकेट था। ये देख ओरिजिनल नक्शा, साले सुबह से खोद खोद के पसीने पसीने हो रंग घंटा। अच्छा सुन, इन लोग ना अपने ओरिजिनल हरकतों पे आ गए, अपने को यहाँ से भाग जाना चाहिए। चल पुलिस स्टेशन चल। अरे चिट्टी चूड़ी भाग रहे, चिट्टी चूड़ी भाग रहे। अरे इधर से नहीं मर जाएगा। मैं हट जाऊंगा। अरे नीचे ऊपर पहुंच जाएगा। चल जल्दी चल। ये टोनी खुल कैसे गया? बांधा तो बहुत कसके था। अरे इधर को नहीं, हमेशा टेढ़ा क्यों चलता है तू? जलवे दिखा रही हो, हमारे फोन भी नहीं उठा रही हो। अभी तेरी तो अकबर तो अनारकली के साथ लगा पड़ा। शामिल हो लेते हैं। धार्मिक फिल्म देखते हैं। कौन सी? अरे टाकीज में करेंगे धूम, बच्चन जी की देखते हैं बूम। अच्छा है दोस्तों। आप भी ना बड़े ही नॉटी हैं। ए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो रिहर्सल पे आओ जल्दी। दादा मूछ लाओ। चल जल्दी चल। अबे यहीं से तो आए थे। देख सीढ़ी। इधर नहीं उधर चल उधर। मान सिंह अनारकली को पेश किया जाए। सिपाहियों इसे दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। अनारकली बाखुदा हम मजबूर है, हमारी मजबूरी को समझ सको तो शायद हमें माफ कर देना। कहाँ है मेरी अनारकली? कहाँ है मेरी अनारकली? ये क्या हो रहा है? अपनी औकात दिखा रही हो और एक नहीं दो दो को गले लगा रही हो। पिछली बार भी तेरी किस्मत जागी थी और तू इसी बेवड़े सलीम के साथ भागी। नहीं नहीं अकबर भाई, हम लोग इनोसेंट हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब शराफत से हमको हमारा असली नक्शा वापस दे दो। सौरव तुम्हारे चक्कर में दौड़ दौड़ के मुंडा सड़ गया, अब वो नक्शा दे दो। अगर अनारकली को पटाओगे तो बचकर कहाँ जाओगे? इसी शेर सुनाओगे तो फिर से लावा खाओगे। बापू बाप का अनारकली छा गई, फिर सलीम बेवड़े की गोद में आ गई। अवलदार कहाँ है मेरी तलवार? बापू ये रही वो तलवार। हट जाओ अनारकली, मैं लड़ूंगा। अनारकली क्या कर रहे? तू कौन है? मैं डायरेक्टर हूँ। कौन हो तुम? तुम क्या करेगा? अरे मैं सेट वाला हूँ, मेरा सारा सेट तोड़ दिया। 2000 रुपए का नुकसान कर दिया तुमने। 2000 तुम क्या? असली है।
अनारकली मेरी है। अनारकली नाचो। खाली तुम डरो, आप लोग लगे रहो। एक मिनट रुक जाए, गले मिलने दो ना मुझे। थैंक यू। खाली आप कोऑपरेट कीजिए, आप लोग लगे रही हैं, तुम भी लगे रहो। अरे लगता दिखा रहा है, पुलिस आ गई तो। टीचर माइले ड्रामा, चल मैं आ गया। माइंड ब्लिंक क्या टाइमिंग है? नक्शा का है, नक्शा। ये लीजिए सर। माइला तुम लोगों की वजह से मैं इंस्पेक्टर से हवालदार बन गया। ए हवालदार, अरे एसडीएम, पकड़ो सबको, पकड़ो। ये मुल्ताना, ये मुल्ताना। अरे सबका वारंट है मेरे पास, तू क्या मुल्ताना मुल्ताना करता है? अरे इस जगत के चक्कर में हमारा सारा बरसात का पैसा डूब गया। बरसात के पैसे का रो रहा, जाने वापस कर। लोगों को क्या लगा मैं तुमको छोड़ देगा? सही लगा, मैं छोड़ देगा तुम लोग को। और सबसे बड़ी बात, मैं तुमको बोलता है खजाने में से 10% तुमको दिलाएगा। अरे चलो, अरे वाह, नक्शा मिल गया। जीजा जी मेरे को वापस इंस्पेक्टर बना देगा। चल बाबा, चल रुको। कहाँ जा रहा? बाहर जा। अपनी अमानत लेके नहीं जाओ? वो मिली नहीं सर। क्या बात है? कल के दिन मंडप में एक साथ 3 शादियां होंगी। क्या आप भी कर रहे हैं? आप भी कर रहे हो? तुम्हारी, तुम्हारी और हमारे उस हमशक्ल की। थैंक यू। खुश है ना? माइंड ब्लोइंग। इन लोगों की तरह आप भी मुस्कुराइए। फिल्म खत्म हो गई, अपने अपने घर जाइए। Yeah, I'm with you.